हेलो फ्रेंड्स, हम कर रहे थे डायरेक्ट टैक्स के अमेंडमेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं नॉर्मल टैक्स रेट्स फॉर असेसमेंट ईयर 2021-22। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंडिविजुअल HUF, AOP, BOI और एनी अगर आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन के लिए कि उनके लिए क्या टैक्स रेट्स अप्लीकेबल हैं। तो उनके लिए स्लैब रेट्स जो अप्लीकेबल हैं उसकी बात करते हैं। देखिए, अगर नॉर्मल इंडिविजुअल है तो उसके लिए क्या टैक्स रेट्स अप्लीकेबल हैं। नॉर्मल इंडिविजुअल, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, चाहे वो रेजिडेंट हो चाहे नॉन रेजिडेंट हो, और यही टैक्स रेट्स अप्लीकेबल हैं HUF के लिए भी। AOP, BOI यानी एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, और एनी आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, चाहे वो रेजिडेंट हो चाहे नॉन रेजिडेंट हो, उनके लिए क्या टैक्स रेट अप्लीकेबल है। अगर उनकी टोटल इनकम 2.5 लाख रुपए तक है तो उस पर टैक्स रेट है निल। 2.5 लाख से 5 लाख तक की इनकम पर 5% और 5 लाख से 10 लाख तक की इनकम पर 20% और 10 लाख से ऊपर की इनकम पर 30%। ठीक है, मतलब स्लैब रेट्स में कोई चेंज नहीं है। इसके अलावा सीनियर सिटीजन है, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, रेजिडेंट होना चाहिए वो इंडिविजुअल जिसकी एज कम से कम 60 साल हो लेकिन 80 साल से कम हो। उनके लिए बेसिक इनकम एग्जम्पशन लिमिट 3 लाख तक है। 3 लाख तक उन पर टैक्स 0% लगेगा और 3 लाख से 5 लाख तक की इनकम पर 5% लगेगा और 5 लाख से 10 लाख की इनकम पर 20% लगेगा और 10 लाख से ऊपर की इनकम पर 30% लगेगा। ठीक है, अब बात करते हैं वेरी और सुपर सीनियर सिटीजन की, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, रेजिडेंट होने चाहिए वो इंडिविजुअल और उनकी एज कम से कम 80 साल होनी चाहिए। उनके लिए बेसिक इनकम एग्जम्पशन लिमिट है 5 लाख। 5 लाख तक उन पर 0% टैक्स लगेगा। 5 लाख से 10 लाख तक की इनकम पर डायरेक्ट 20% लगेगा और 10 लाख से ऊपर की इनकम पर 30% लगेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि इन टैक्स रेट्स में कोई चेंज नहीं है। चलिए, अब बात करते हैं ये जो हमने बेसिक टैक्स कंप्यूट किया, इसमें सरचार्ज भी ऐड होगा बेसिक टैक्स पर, वो हम अभी डिस्कस करेंगे, और हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी ऐड होगा। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कितना ऐड होगा? 4%, और वो कैलकुलेट होगा बेसिक टैक्स प्लस नेट सरचार्ज पर। ठीक है, चलिए बाकी बातें तो सेम है इसलिए उसको डिस्कस नहीं करते हैं। अब सरचार्ज वाले पॉइंट पर एक अमेंडमेंट हुआ है। देखिए, सरचार्ज के बारे में आपको पता है, अगर SSC इंडिविजुअल है, HUF, AOP, BOI, AJP है तो सरचार्ज की रेट क्या है। अगर देखिए, सरचार्ज सिचुएशनल है, टोटल इनकम को देखकर लगाया जाता है। अगर टोटल इनकम अप टू 50 लाख तक है तो 0% सरचार्ज। अगर टोटल इनकम 50 लाख से ज़्यादा है लेकिन 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं है तो 10%। ठीक है, और अगर 1 करोड़ से एक्सीड कर रही है टोटल इनकम लेकिन 2 करोड़ से एक्सीड नहीं कर रही है, मतलब 2 करोड़ तक है, तो 15% सरचार्ज लगेगा। तो सरचार्ज टोटल इनकम को देखकर लगाया जाता है, सरचार्ज सिचुएशनल होता है। तो अभी तक हमने देखा कि सरचार्ज की रेट
15% तक हमने देखी। ये कहलाता है 15% तक का सरचार्ज, कहलाता है जनरल सरचार्ज। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं। जनरल सरचार्ज के बाद हम डिस्कस करने वाले हैं एनहांस्ड सरचार्ज। वो कब लगता है? अगर टोटल इनकम एक्सीड कर जाए 2 करोड़ को, लेकिन 5 करोड़ से ज़्यादा ना हो, तो 25% सरचार्ज लगता है। और अगर टोटल इनकम 5 करोड़ से भी एक्सीड कर जाए तो सरचार्ज लगेगा 37%। ठीक है, चलिए, तो ये 25% और 37% वाला, 25% और 37% वाला सरचार्ज कहलाता है एनहांस्ड सरचार्ज। ठीक है, इसका मतलब टोटल इनकम अगर 2 करोड़ तक है तो जनरल सरचार्ज लगता है, और अगर 2 करोड़ से एक्सीड हो जाए तो एनहांस्ड सरचार्ज लगता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने जब ये सरचार्ज बढ़ाया था, एनहांस्ड सरचार्ज 25% और 37% जब गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था, एनहांस्ड सरचार्ज जब गवर्नमेंट लेकर आई थी, तब शेयर मार्केट काफ़ी डाउन हो गया। तो फिर गवर्नमेंट को तब अमेंडमेंट करना पड़ा था कि हम देखिए टेबल के नीचे एक बात दे रखी है, अगर टोटल इनकम में सेक्शन 111A वाला STCG शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या सेक्शन 112A वाला LTCG शामिल है, ठीक है, तो सिर्फ जनरल सरचार्ज लगाया जाएगा, एनहांस्ड सरचार्ज नहीं लगेगा। ठीक है, मतलब सरचार्ज 15% से ज़्यादा नहीं होगा उस 111 वाले STCG के टैक्स पर और सेक्शन 112A वाले LTCG के टैक्स पर सरचार्ज 15% से ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक हुआ है अमेंडमेंट। अमेंडमेंट क्या है? अमेंडमेंट ये है कि ये एनहांस सरचार्ज नहीं लगेगा डिविडेंड इनकम पर भी। ठीक है, आपको पता है डिविडेंड इनकम असेसमेंट ईयर 2021-22 से टैक्सेबल हो गई है, तो विथ इफेक्ट फ्रॉम असेसमेंट ईयर 2021-22 डिविडेंड इनकम पर भी एनहांस्ड सरचार्ज नहीं लगेगा। जैसे पहले प्रोविजन था कि सेक्शन 111A वाला STCG, सेक्शन 112A वाला LTCG, ठीक उसी पैटर्न पर डिविडेंड इनकम पर भी एनहांस्ड सरचार्ज नहीं लगेगा। ठीक है, उस पर सिर्फ जनरल सरचार्ज ही लगेगा। तो अब हम इस बात को समझते हैं कि फाइनल पिक्चर क्या है। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट सरचार्ज ऑन सच कैपिटल गेन, मतलब सेक्शन 111A वाला और सेक्शन 112A वाला, साथ ही साथ डिविडेंड इनकम पर भी सरचार्ज 15% से एक्सीड नहीं करेगा। ठीक है, मतलब इन इनकम्स को हम बोल दें स्पेसिफाइड इनकम। ठीक है, इन इनकम्स को हम क्या बोले, स्पेसिफाइड इनकम्स पर जनरल सरचार्ज ही लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 15%। ठीक है, एनहांस्ड सरचार्ज नहीं लगेगा। बात समझ आई? चलिए अब इस पर एक एग्जाम्पल करते हैं, इस पर हम एक एग्जाम्पल समझते हैं। देखिए केस नंबर वन, आपके टोटल इनकम के कंपोनेंट्स क्या हैं? ठीक है, देखिए फर्स्ट केस, आपकी टोटल इनकम लैक्स में दे रखी है 47 लाख। आपकी स्पेसिफाइड इनकम, देखिए तीनों इनकम्स जो हैं सेक्शन 111A वाला STCG, सेक्शन 112A वाला LTCG और डिविडेंड इनकम, ठीक है, इन इनकम्स को हम अब इस एग्जाम्पल में बोलेंगे स्पेसिफाइड इनकम। ठीक है, और इसके अलावा जो इनकम है उसको हम बोलेंगे अदर इनकम।
ठीक है, तो आपकी स्पेसिफाइड इनकम है 25 लाख और अदर इनकम है 22 लाख, टोटल इनकम 47। अभी तक आपकी टोटल इनकम 50 लाख को एक्सीड नहीं हुई है, ठीक है। तो 50 लाख तक अगर टोटल इनकम होती है तो सरचार्ज तो लगता ही नहीं है। तो इस स्पेसिफाइड इनकम के बेसिक टैक्स पर सरचार्ज निल लगेगा और अदर इनकम के बेसिक टैक्स पर भी सरचार्ज निल लगेगा, ठीक है, क्योंकि 50 लाख तक टोटल इनकम पर तो सरचार्ज लगता ही नहीं है। अब केस नंबर टू, केस नंबर टू में देखिए, अगर आपकी स्पेसिफाइड इनकम है 52 लाख और अदर इनकम है 45, अब है आपके 97 लाख, ठीक है, मतलब 1 करोड़ से ज्यादा नहीं है। 50 लाख से तो ज्यादा हो गई, यस 50 लाख से ज्यादा हो गई, तो सरचार्ज कितना लगता है, 50 लाख से ज्यादा हो लेकिन 1 करोड़ से ज्यादा ना हो तो सरचार्ज 10% लगता है। तो स्पेसिफाइड इनकम के बेसिक टैक्स पे भी सरचार्ज लगेगा 10% और अदर इनकम के सरचार्ज, अदर इनकम के भी बेसिक टैक्स पर लगेगा सरचार्ज 10%। अभी तक जनरल सरचार्ज ही लग रहा है, ठीक है। चलिए अब केस नंबर थ्री, आपकी स्पेसिफाइड इनकम है 70 लाख और आपकी अदर इनकम है 47 लाख, अब आपकी टोटल इनकम है 117 लाख। 117 लाख मतलब 1 करोड़ 17 लाख, 117 लाख मतलब 1 करोड़ 17 लाख, 1 करोड़ से एक्सीड हो गया, ठीक है ना, 1 करोड़ से एक्सीड हो गया। सरचार्ज सिचुएशनल है, अगर टोटल इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है, 2 करोड़ से ज्यादा नहीं है तो सरचार्ज जनरल वाला ही लगता है 15%, ठीक है। तो 15% वाला लगाइए, स्पेसिफाइड इनकम के टैक्स पे भी 15% और अदर इनकम के टैक्स पे भी 15%। अभी तक भी जनरल सरचार्ज ही चल रहा है, अभी तक एनहांस्ड सरचार्ज लगाने की नौबत नहीं आई है। चलिए अब केस नंबर फोर देखते हैं। केस नंबर फोर है, आपकी स्पेसिफाइड इनकम है 300 लाख और आपकी अदर इनकम है 47 लाख, टोटल इनकम है 347 मतलब 3 करोड़ 47 लाख, 3 करोड़ 47 लाख, ठीक है। तो ये 2 करोड़ को एक्सीड हो गया, 3 करोड़ 47 लाख 2 करोड़ को एक्सीड हो गया, तो एनहांस सरचार्ज लगना चाहिए। तो अब हम चेक करेंगे, अब हम चेक करेंगे कि ये जो हमारी टोटल इनकम है 347, इसके अंदर अदर इनकम, पहले देखिए इस टोटल इनकम, अब देखिए ध्यान से समझना, इस 347 के अंदर हम पहले अदर इनकम की प्रायोरिटी मानेंगे, ध्यान से बात सुनना, इस टोटल इनकम के अंदर हम पहले अदर इनकम की प्रायोरिटी मानेंगे। क्या अदर इनकम तो कितनी है, 47, ठीक है, अदर इनकम 47 है। तो क्या टोटल इनकम 2 करोड़ से ज्यादा हुई है अदर इनकम की वजह से? देखिए अपने से सवाल करिए, खुद से सवाल करिए कि क्या टोटल इनकम 2 करोड़ से तो एक्सीड हुई है, हाँ हुई है, बट क्या अदर इनकम की वजह से हुई है? नहीं, क्योंकि अदर इनकम तो 47 लाख ही है। तो टोटल इनकम 2 करोड़ से एक्सीड तो हुई है बट अदर इनकम की वजह से नहीं हुई है, ठीक है। तो अदर इनकम 47 लाख ही है, तो देखिए, अब देखिए आपका टोटल इनकम तो 2 करोड़ से एक्सीड हो चुका है, यस 2 करोड़ से एक्सीड हो चुका है, 2 करोड़ से एक्सीड हो जाता है तो एनहांस सरचार्ज लगता है, लेकिन
चेक करें टोटल इनकम के अंदर अदर इनकम की प्रायोरिटी पहले माने और अदर इनकम की वजह से टोटल इनकम 2 करोड़ को एक्सीड नहीं हुई है। इस वजह से अदर इनकम के टैक्स पे भी सरचार्ज कितना लगेगा, 15% ही लगेगा, ठीक है। और स्पेसिफाइड इनकम के टैक्स पर तो 15% से ज़्यादा हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो सिचुएशन क्या बनी, अदर इनकम के टैक्स पे भी सरचार्ज 15% और स्पेसिफाइड इनकम के टैक्स पे भी सरचार्ज 15%, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझना सारी सिचुएशन, बहुत टेक्निकल इश्यूज हैं यहाँ पर। तो केस नंबर 5, आपकी स्पेसिफाइड इनकम है 600 लाख और अदर इनकम है 47 और टोटल इनकम है 647। 647 मतलब 6,47,00,000, मतलब ये तो 5 करोड़ से भी ज़्यादा हो गई टोटल इनकम। तो क्या एनहांस सरचार्ज लगना चाहिए? वैसे तो लगना चाहिए, एनहांस सरचार्ज वैसे तो लगना चाहिए 37% वाला, लेकिन फिर चेक करें ये जो टोटल इनकम है 647, इसके अंदर पहले अदर इनकम की प्रायोरिटी माने, इसके अंदर पहले अदर इनकम की प्रायोरिटी माने। क्या टोटल इनकम 5 करोड़ से ज़्यादा हुई तो है, बट क्या अदर इनकम की वजह से हुई है? नहीं, नहीं हुई है। टोटल इनकम 5 करोड़ से एक्सीड तो हुई है, लेकिन अदर इनकम की वजह से नहीं हुई है। किसकी वजह से हुई है? स्पेसिफाइड इनकम की वजह से, ठीक है। तो टोटल इनकम 5 करोड़ से तो एक्सीड हुई है, लेकिन अदर इनकम की वजह से नहीं हुई है। तो अगेन अदर इनकम के टैक्स पर सरचार्ज 15% लगेगा और स्पेसिफाइड इनकम के टैक्स पर तो 15% से ज़्यादा हो ही नहीं सकता, समझे बात। चलिए अब केस नंबर 6 करते हैं। केस नंबर 6, आपकी टोटल इनकम है 90 लाख और इसके कंपोनेंट हैं अदर इनकम 60 लाख, स्पेसिफाइड इनकम 30 लाख, ठीक है। अब चेक करें टोटल इनकम 50 लाख से ज़्यादा है, यस, लेकिन 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं है ना, सरचार्ज की नौबत तो नहीं आएगी। 2 करोड़ से ज़्यादा होती है टोटल इनकम तो एनहांस्ड सरचार्ज की नौबत आती है, तो अभी तक तो जनरल सरचार्ज ही लगेगा। तो अब देखिए टोटल इनकम 50 लाख से तो ज़्यादा है, लेकिन 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं है। 50 लाख से ज़्यादा है लेकिन 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं है, तो क्या होगा, अदर इनकम के टैक्स पर सरचार्ज 10% और स्पेसिफाइड इनकम के टैक्स पे भी सरचार्ज 10% ही लगेगा, समझे बात। चलिए अब केस नंबर सेवन, आपकी टोटल इनकम है 140, 1 करोड़ से ज़्यादा हो गई, 140 लाख, मतलब 1,40,00,000, 1 करोड़ से ज़्यादा हो गई। आपकी स्पेसिफाइड इनकम है इसके अंदर 70 लाख और अदर इनकम है वो भी 70 लाख, ठीक है। अब 1 करोड़ से ज़्यादा है लेकिन 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं है, 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं है तो एनहांस्ड सरचार्ज की तो नौबत नहीं आएगी। तो 1 करोड़ से एक्सीड कर रही है टोटल इनकम, लेकिन 2 करोड़ से एक्सीड नहीं कर रही है, तो अभी तक भी जनरल सरचार्ज ही चल रहा है। तो स्पेसिफाइड इनकम के टैक्स पे भी 15% और अदर इनकम के टैक्स पे भी 15%, राइट। चलिए अब केस नंबर 8 समझते हैं। केस नंबर 8, आपकी टोटल इनकम है 360 लाख, ठीक है, 360 लाख। इसके अंदर अब ध्यान से समझना, ये जो आपकी टोटल इनकम 360 लाख है, मतलब 3,60,00,000, 3,60,00,000, 2 करोड़ से एक्सीड कर गई, एनहांस्ड सरचार्ज हो सकता है लेकिन एक्चुअली होगा या नहीं
अभी बात करते हैं उसकी। देखिए 3,60,00,000 है टोटल इनकम आपकी, 2 करोड़ से ज़्यादा है, तो एनहांस सरचार्ज लग सकता है, बट लगेगा या नहीं उसकी बात अभी करते हैं। देखो ये जो टोटल इनकम है 360, उसके अंदर पहले अदर इनकम की प्रायोरिटी माननी है, वो है 60,00,000। ठीक है, तो आपकी टोटल इनकम में प्रायोरिटी पहले 60,00,000 की माननी है। क्या अदर इनकम की वजह से टोटल इनकम 2 करोड़ के ऊपर गई? नहीं। क्या अदर इनकम, क्या टोटल इनकम 360,00,000, क्या टोटल इनकम 360,00,000 अदर इनकम की वजह से 2 करोड़ को एक्सीड हुई है? नहीं। तो किसकी वजह से हुई है? स्पेसिफाइड इनकम की वजह से, क्योंकि वो 300,00,000 है। ठीक है, तो इस केस में भी एनहांस्ड सरचार्ज नहीं लगेगा। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा 15% लगेगा, तो अदर इनकम के टैक्स पे भी 15% और स्पेसिफाइड इनकम के टैक्स पे भी 15%। ठीक है, तो लग रहा था शुरू में कि टोटल इनकम 3,60,00,000 है, 360 है, तो एनहांस सरचार्ज में चले जाएंगे हम, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्लियर? तो अब देखिए केस नंबर 9, आपकी टोटल इनकम है 760,00,000। ठीक है, ये तो 5 करोड़ से भी ज़्यादा है, 5 करोड़ से टोटल इनकम एक्सीड कर जाती है तो सरचार्ज 37% लगता है। ठीक है ना, तो अब चेक करते हैं आपकी टोटल इनकम है 760,00,000, इसके अंदर फिर अगेन प्रायोरिटी माननी है अदर इनकम की। क्या आपकी टोटल इनकम एक्सीड हुई है अदर इनकम की वजह से? क्या आपकी टोटल इनकम 5 करोड़ को एक्सीड हुई है या 2 करोड़ को एक्सीड हुई है अदर इनकम की वजह से? नहीं, अदर इनकम की वजह से एक्सीड नहीं हुई है, तो इस सिचुएशन में भी एनहांस सरचार्ज नहीं लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 15% लगेगा, तो अदर इनकम के टैक्स पे भी 15% और स्पेसिफाइड इनकम के टैक्स पे भी 15%। क्लियर? अब देखिए केस नंबर 10, आपकी टोटल इनकम है 1 करोड़ 95 लाख। एनहांस्ड सरचार्ज तो 2 करोड़ से टोटल इनकम एक्सीड होती है तो लगता है। ठीक है, तो अभी तक हमारी टोटल इनकम क्या 1 करोड़ से ज़्यादा है? लेकिन 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं है, तो इस 195 के अंदर अदर इनकम का कंपोनेंट है 150 और स्पेसिफाइड इनकम का कंपोनेंट है 45। ठीक है, तो अब एनहांस सरचार्ज की नौबत नहीं आ रही है, टोटल इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा है लेकिन 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं है, तो अदर इनकम के टैक्स पे भी 15% सरचार्ज और स्पेसिफाइड इनकम के टैक्स पे भी सरचार्ज 15% ही लगेगा। ठीक है, बात समझ आ रही है? अब आगे बढ़ते हैं, देखो केस नंबर 11, आपकी टोटल इनकम है 400,00,000, मतलब 4 करोड़। ठीक है, मतलब 2 करोड़ से ज़्यादा, एनहांस सरचार्ज लग सकता है? अगेन चेक करें कि ये जो हमारी टोटल इनकम है 400,00,000, इसके अंदर अदर इनकम का कंपोनेंट कितना है? जो टोटल इनकम है उसके अंदर पहले अदर इनकम की प्रायोरिटी माननी है। क्या ये 2 करोड़ से ज़्यादा है क्या अदर इनकम? नहीं, 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं है अदर इनकम। अदर इनकम कितनी है? 150, तो 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं है ना अदर इनकम, इंडिविजुअली देखें अदर इनकम तो जो हमारी टोटल इनकम है वैसे 400,00,000 है, मतलब 4 करोड़ है, लेकिन वो अदर इनकम की वजह से 2 करोड़ से ऊपर नहीं गई है। ठीक है, तो इस केस में भी क्या होगा? अदर इनकम के टैक्स पे सरचार्ज एनहांस वाला लगेगा क्या? नहीं,
ज़्यादा से ज़्यादा 15% लगेगा, और स्पेसिफाइड इनकम कितनी है 250, उसके टैक्स पर सरचार्ज 15% से तो ज़्यादा हो ही नहीं सकता। ठीक है, चलिए फिर केस नंबर 12 पढ़ते हैं। केस नंबर 12, आपकी टोटल इनकम है 650 के अंदर आपका कंपोनेंट है अदर इनकम की प्रायोरिटी माननी है 150। ठीक है, अगेन आपकी इनकम 5 करोड़ को भी एक्सीड हो गई है। ठीक है, तो एनहांस सरचार्ज लगना चाहिए वैसे तो, बट अगेन चेक करो इस 6, क्या ये 650 ये 5 करोड़ को भी एक्सीड हो गया टोटल इनकम, लेकिन क्या अदर इनकम की वजह से हुआ है? नहीं, अदर इनकम तो 2 करोड़ से भी कम है। तो इस अदर इनकम की प्रायोरिटी पहले माननी है। ठीक है, तो अदर इनकम तो 2 करोड़ से ऊपर नहीं है इंडिविजुअली देखें तो अदर इनकम के टैक्स पे भी सरचार्ज 15% लगेगा। और स्पेसिफाइड इनकम कितनी है? स्पेसिफाइड इनकम है 500, मतलब 5 करोड़। ठीक है, 500 लाख मतलब 5 करोड़। ठीक है, तो इसके टैक्स पे तो सरचार्ज 15% से ज़्यादा हो ही नहीं सकता। क्लियर, चलो अब केस नंबर 13, आपकी टोटल इनकम है 400 लाख, मतलब 4 करोड़। अब देखो, अब इंटरेस्टिंग सिचुएशन आ रही है। इस 400 लाख मतलब के अंदर अदर इनकम कितनी है? 300 लाख मतलब 3 करोड़। अब अदर इनकम इंडिविजुअली देखें तो 2 करोड़ से भी ऊपर चली गई। अदर इनकम, टोटल इनकम 400 लाख, अदर इनकम 300 लाख, अदर इनकम को हम इंडिविजुअली भी देखें तो वो 2 करोड़ को एक्सीड हो गई। तो एनहांस्ड सरचार्ज तो लगना है, लेकिन कौन सा वाला लगना है? देखिए, 5 करोड़ को एक्सीड हुई है क्या टोटल इनकम? नहीं, 5 करोड़ को एक्सीड होती तो एनहांस्ड सरचार्ज 37% वाला लगता, लेकिन अभी 2 करोड़ से ज़्यादा, लेकिन 5 करोड़ को एक्सीड नहीं हो रही है, तो एनहांस सरचार्ज भी लगेगा, अगर लगना भी है तो 25% वाला लगेगा। ठीक है, तो अदर इनकम के टैक्स पर 25% सरचार्ज लगेगा, और वो जो टोटल इनकम 400 लाख है उसके अंदर स्पेसिफाइड इनकम 100 लाख है, उसके सरचार्ज पर तो 15% से ज़्यादा लग ही नहीं सकता। ठीक है, फिर केस नंबर 14, आपकी टोटल इनकम है 550, 5 करोड़ से भी ज़्यादा हो गई। ठीक है, 5 करोड़ से ज़्यादा हो गई, लेकिन अगेन इसके अंदर प्रायोरिटी माननी है अदर इनकम की। ठीक है, अदर इनकम 300 लाख है, 2 करोड़ से तो ज़्यादा है, अदर इनकम इंडिविजुअली भी देखें तो 2 करोड़ से ज़्यादा है। ठीक है, तो कितना लगेगा सरचार्ज? अगर हम अदर इनकम को इंडिविजुअली भी देखें, 2 करोड़ से ज़्यादा है, 2 से 5 के बीच में है, तो अदर इनकम के टैक्स पे सरचार्ज 25%, और जो स्पेसिफाइड इनकम है 250, उसके टैक्स पे सरचार्ज 15% से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, चले अब केस नंबर 15 करते हैं। केस नंबर 15 क्या है? देखो, आपकी टोटल इनकम है 650, 5 करोड़ से भी ज़्यादा। ठीक है, अब ध्यान से समझना, इस 650 टोटल इनकम के अंदर अदर इनकम का प्रायोरिटी पहले माननी है, वो है 550। अदर इनकम अगर हम इंडिविजुअली भी देखें तो 5 करोड़ से ऊपर चली गई। अदर इनकम हम इंडिविजुअली भी देखें तो 5 करोड़ से ऊपर चली गई, तो उस अदर इनकम के टैक्स पे सरचार्ज कितना लगेगा? 37%, बोलो हाँ। ठीक है, और इस 650 लाख टोटल इनकम के अंदर स्पेसिफाइड इनकम है 100 लाख, उसके उस पर तो 37 नहीं लगेगा ना, जनरल वाला 15% ही लगेगा। ठीक है,
तो इस तरीके से सरचार्ज लगता है। अब आते हैं हम पार्टनरशिप फर्म पर, LLP पर और लोकल अथॉरिटी पर टैक्स रेट क्या है उसकी बात करते हैं। वो अनचेंज्ड है तो इन पर टैक्स रेट है 30% और सरचार्ज कितना लगेगा बेसिक टैक्स का 12%। ठीक है, वो भी तब जब टोटल इनकम 1 करोड़ को एक्सीड करे। टोटल इनकम 1 करोड़ को एक्सीड करे तो सरचार्ज उन पर 12% लगता है। चलिए फिर कंपनी SSC पर टैक्स रेट क्या है। देखिए कंपनी दो होती है, डोमेस्टिक कंपनी और फॉरेन कंपनी। डोमेस्टिक कंपनी के केस में हम देखेंगे कि उनका सेल्स टर्नओवर ग्रॉस रिसीव्स प्रीवियस ईयर 18-19 का देखेंगे। प्रीवियस ईयर 18-19 का देखेंगे, अगर 400 करोड़ को एक्सीड नहीं करता तो क्या होगा। अगर 400 करोड़ को एक्सीड नहीं करता तो 25% ही टैक्स रेट लगेगी, अदरवाइज 30% लगेगी। और फॉरेन कंपनी पर तो 40% टैक्स रेट है ही। अब कंपनी पर सरचार्ज की बात करते हैं, सरचार्ज कितना लगेगा कंपनी SSC पर। टोटल इनकम देखेंगे उनकी 1 करोड़ से ज़्यादा, लेकिन 10 करोड़ से ज़्यादा नहीं है। पहले डोमेस्टिक कंपनी की बात करते हैं, टोटल इनकम उनकी टोटल इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा है लेकिन 10 करोड़ से ज़्यादा नहीं है, तो बेसिक टैक्स का 7% सरचार्ज लगेगा। और अगर उनकी टोटल इनकम 10 करोड़ से भी ज़्यादा हो गई तो बेसिक टैक्स का 12% लगेगा। ठीक है, और फॉरेन कंपनी के केस में बेसिक टैक्स का 2% लगेगा। कब, अगर उनकी टोटल इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा है, 10 करोड़ से ज़्यादा नहीं है तो 2% सरचार्ज लगेगा। और अगर उनकी टोटल इनकम 10 करोड़ से ज़्यादा है तो सरचार्ज 5% लगेगा। ठीक है, तो डोमेस्टिक कंपनी पर कितना 7% और 12% और फॉरेन कंपनी पर 2% और 5%। ठीक है, इस तरीके से कंपनी SSC पर सरचार्ज लगेगा। अब बात करते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में भी टैक्स रेट अनचेंज्ड है, अनचेंज्ड। उनकी टोटल इनकम अगर 10,000 रुपये तक है तो बेसिक टैक्स 10% लगेगा, और 10,000 से 20,000 के बीच में है तो 20% लगेगा, और बैलेंस इनकम पर 30% लगेगा। और अगर उनकी टोटल इनकम 1 करोड़ को एक्सीड कर गई तो सरचार्ज भी लगेगा 12% बेसिक टैक्स का। ठीक है, चलिए तो सारे टाइप के SSC हमने डिस्कस कर लिए, उन पर टैक्स रेट डिस्कस कर ली और सरचार्ज डिस्कस कर लिया। अब सरचार्ज के बाद एक और लगता है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, वो सारे SSC पर लगेगा, ऑल SSCs पर लगेगा। कितना हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगेगा, 4%, किसका, बेसिक टैक्स प्लस सरचार्ज का। ठीक है, तो ये हमने टैक्स रेट्स के बारे में समझा। चलिए जो अमेंडमेंट हुआ ना डिविडेंड इनकम पर भी, डिविडेंड इनकम के टैक्स पे भी सरचार्ज एनहांस्ड वाला नहीं लगेगा, जनरल वाला ही लगेगा। ठीक है, तो उस पर हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल करते हैं। देखिए एग्जांपल क्या है, कंप्यूट टैक्स पेबल बाय मिस्टर राम जिनकी एज 43 इयर्स है एज पर फॉलोइंग इनकम डिटेल्स। उनके पास STCG है 111A वाला 4 लाख, LTCG है 112A वाला 3 लाख, और डिविडेंड इनकम है 18 लाख और अदर इनकम है 3,36,00,000। ठीक है, चलिए तो इस पर हमको टैक्स की कैलकुलेशन करनी है। तो टैक्स की कैलकुलेशन करते हैं, STCG ले ले, टोटल इनकम में 4 लाख
उस पे तो ये 111A वाला STCG है तो उस पर टैक्स रेट 15% है, तो 4 लाख का 15% 60,000। फिर LTCG सेक्शन 111 सेक्शन 112A वाला, ठीक है, उस पर 1 लाख तक 0% लगता है, 1 लाख से अबो जो होता है उस पर 10% लगता है, ठीक है। तो टोटल इनकम में तो पूरा लिखेंगे 3 लाख, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो टोटल इनकम में तो पूरा LTCG सेक्शन 112A वाला लिखेंगे 3 लाख, लेकिन टैक्स कैलकुलेशन उस पर कैसे होगी, पहले 1 लाख तक 0% और बाकी के 2 लाख पर 10%, तो 20,000, समझे बात। फिर डिविडेंड इनकम और अदर इनकम दोनों जोड़ दो, दोनों जोड़ दो, तो डिविडेंड इनकम और अदर इनकम, डिविडेंड इनकम है 18 लाख और अदर इनकम है 3 करोड़ 36 लाख, दोनों हमने जोड़ी तो आया 3 करोड़ 54 लाख। उस पर तो स्लैब रेट ही लगेगी, ठीक है, तो स्लैब रेट नॉर्मल वाली स्लैब रेट लगा लेना, 2.5 लाख पर 0%, 2.5 लाख से 5 लाख से इनकम पर 5%, और 5 लाख से 10 लाख इनकम पर 20%, और 10 लाख से अबो इनकम पर 30%, ठीक है। तो वो स्लैब रेट से ये टैक्स कैलकुलेट करना, ठीक है। तो आपकी टोटल इनकम आ गई आपके सामने कितनी, 3 करोड़ 61 लाख, 3 करोड़ 61 लाख, और बेसिक टैक्स भी आ गया टोटल 1 करोड़ 5 लाख 12,500, ठीक है। चलिए, ये तो हमने अभी तक टोटल इनकम और बेसिक टैक्स कैलकुलेट किया। अब हम बात करते हैं सरचार्ज की। सरचार्ज कैसे कैलकुलेट होगा यही समझना है। देखिए, ये एग्जाम्पल इंक्लूड करने का रीज़न यही था कि आपको जो अमेंडमेंट हुआ है डिविडेंड इनकम पर सरचार्ज का जो अमेंडमेंट हुआ है वो आपको क्लियर हो, तभी हम एग्जाम्पल से बात कर रहे हैं। और ये अमेंडमेंट लेक्चर्स जो हैं वो उनका टाइम काफ़ी ज़्यादा इसीलिए ही है कि सारी बात को एग्जाम्पल्स के थ्रू ही बताया है, ठीक है। अगर ये एग्जाम्पल्स इंक्लूड नहीं करते तो टाइम कम लगता। चलिए, खैर, अब बात करते हैं एसटीसीजी और एलटीसीजी मिला के कितना है, 60,000 प्लस 20,000 80,000, ठीक है। अब चेक करें, टोटल इनकम 2 करोड़ से तो ज़्यादा है, हाँ ज़्यादा है, और अब फिर चेक करें, टोटल इनकम 2 करोड़ से ज़्यादा है, उसके अंदर पहले अदर इनकम का कंपोनेंट मानना है, और अदर इनकम कितनी है, 3 करोड़ 36 लाख, 3 करोड़ 36 लाख है ना अदर इनकम, 2 करोड़ से ज़्यादा है, ठीक है। तो अदर इनकम ही 2 करोड़ से जब ज़्यादा है तो एना सरचार्ज तो लगेगा ही, लेकिन इस STCG 111A वाला और LTCG सेक्शन 112A वाला, उसके टैक्स पे सरचार्ज 15% से ज्यादा नहीं हो सकता, तो 15% लगाओ ना। तो वो जो टैक्स आया था, STCG LTCG वाला 80,000, उस पे सरचार्ज 15% लगेगा, 12,000, ठीक है। अब ढंग से समझना, अब टेक्निकल पॉइंट शुरू हो रहा है, अब ध्यान से समझना, बहुत ज्यादा ध्यान से समझना, नहीं तो बात एस्केप हो जाएगी, पता भी नहीं पड़ेगा। चले, तो आपका अब चेक करो कि डिविडेंड इनकम और अदर इनकम, डिविडेंड इनकम और अदर इनकम है कितनी, 3 करोड़ 54 लाख, 3 करोड़ 54 लाख, उसका बेसिक टैक्स कितना है आपका, 1 करोड़ 4 लाख 32,500, ठीक है। अब इस डिविडेंड इनकम के टैक्स पर तो सरचार्ज 15% से ज़्यादा नहीं हो सकता, लेकिन अदर इनकम पर तो हो सकता है 15% से ज़्यादा, ठीक है।
तो इशू ये है कि डिविडेंड इनकम पर तो एनहांस सरचार्ज नहीं लग सकता, लेकिन अदर इनकम के टैक्स पे तो एनहांस सरचार्ज लग सकता है ना? यस, लग सकता है। तो अब उसकी कैलकुलेशन कैसे करें? तो देखो, पहले डिविडेंड इनकम का पहले क्या करो, ये जो डिविडेंड इनकम है उस पे बेसिक टैक्स कितना है? डिविडेंड इनकम पर बेसिक टैक्स स्लैब रेट से लगा, वो कितना है? अरे, हमने तो डिविडेंड इनकम और अदर इनकम दोनों को कंबाइन करके टैक्स निकाल दिया। 1,04,32,500, ठीक है ना, दोनों को कंबाइन करके निकाल दिया स्लैब रेट से, क्योंकि दोनों को जोड़ के दोनों पर ही स्लैब रेट ही लगनी थी, ठीक है। लेकिन अब हमें डिविडेंड इनकम का बेसिक टैक्स इंडिविजुअली चाहिए। क्यों? हमें ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, हमें डिविडेंड इनकम का बेसिक टैक्स इंडिविजुअली चाहिए। क्यों? क्योंकि उस पर एनहांस्ड सरचार्ज नहीं लगेगा, ठीक है। तो एनहांस्ड सरचार्ज नहीं लगेगा, तो देखो कैसे कैलकुलेशन करें। अब आपकी डिविडेंड इनकम, अब मुद्दा यह है, ध्यान से समझना, डिविडेंड इनकम का हमें बेसिक टैक्स निकालना है। कैसे निकालें? देखिए, डिविडेंड इनकम और अदर इनकम दोनों जोड़ के, डिविडेंड इनकम और अदर इनकम दोनों जोड़ के कितनी थी हमारी? 3,54,00,000, वो लिख दिया हमने। उस पे टैक्स हमारा स्लैब रेट के हिसाब से दोनों इनकम पर बना 1,04,32,500, ठीक है। तो इस 3,54,000 के अंदर डिविडेंड कितना शामिल था? 18 लाख प्रपोर्शनेटली। तो उस पर डिविडेंड इनकम पर बेसिक टैक्स इंडिविजुअली कितना हुआ? ठीक है, 5,30,466, ठीक है। और हमारा डिविडेंड इनकम और अदर इनकम दोनों का टैक्स कितना था जोड़ के? 1,04,32,500। उसमें से डिविडेंड इनकम वाला बेसिक टैक्स हटा दो तो पीछे बच जाएगा सिर्फ अदर इनकम का बेसिक टैक्स, ठीक है। तो आपको ये कैलकुलेशन बहुत केयरफुली करनी है। आपको डिविडेंड इनकम का बेसिक टैक्स इंडिविजुअली निकालना है और अदर इनकम का भी बेसिक टैक्स इंडिविजुअली निकाल कर रख देना है, क्योंकि इसका आगे यूज़ होगा। क्या यूज़ होगा? ये डिविडेंड इनकम का जो बेसिक टैक्स है ना, इस पे सरचार्ज एनहांस्ड वाला नहीं लगाना है, और अदर इनकम का जो बेसिक टैक्स है इस पर तो एनहांस्ड सरचार्ज लगाना है। क्लियर? तो ये जो कैलकुलेशन हुई, अब इस पर सरचार्ज कैलकुलेट करो। डिविडेंड इनकम का टैक्स बेसिक 5,30,466, उस पर 15% से ज्यादा नहीं सरचार्ज, तो वो हुआ 79,570। क्लियर? और जो अदर इनकम रही, अदर इनकम का बेसिक टैक्स कितना था? 99,02,034। तो 99,02,034 इस पे तो आपका एनहांस्ड वाला सरचार्ज लगेगा। अब एनहांस्ड वाला सरचार्ज भी 25% लगेगा या 37% लगेगा, ये देखना है आपकी टोटल इनकम कितनी है। क्या 5 करोड़ से ज्यादा है क्या? नहीं। अगर टोटल इनकम 5 करोड़ से ज्यादा होती तो एनहांस्ड सरचार्ज 37% वाला लगता, ठीक है। अभी तो टोटल इनकम 2 करोड़ से ज्यादा है, लेकिन 5 करोड़ से ज्यादा नहीं है, तो सरचार्ज 25% वाला ही लगेगा अदर इनकम के बेसिक टैक्स पर, राइट। तो लगाओ आप 25% अदर इनकम के बेसिक टैक्स पर, 25% सरचार्ज लगाओ, ठीक है। वो कितना आया? 24,75,500।
09। ठीक है, अब आप बेसिक टैक्स भी उठा लो, ऊपर से बेसिक टैक्स भी उठाओ और ये सब सरचार्ज वगैरह जोड़ दो, तो आपका बेसिक टैक्स इंक्लूडिंग सरचार्ज आता है 1,30,79,579। अब इस पे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जोड़ दो, इसी का ही 4%, तो आपका टैक्स पेबल आ जाएगा 1,36,02,762। ठीक है, और ये जो टैक्स पेबल आया है ना, उसकी राउंडिंग होती है टू द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ रुपीस 10। ठीक है ना, तो वो कैसे करते हैं, लास्ट डिजिट अगर 5 रुपये या 5 रुपये से ज़्यादा हो तो उसको 10 रुपया बनाओ, लेकिन अगर लास्ट डिजिट 5 रुपये से कम हो तो उसको 0 कर दो। इस तरीके से टोटल टैक्स की राउंडिंग होती है। ठीक है, टू द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ रुपीस 10। बात समझ आई? तो हमने ये जो डिविडेंड इनकम पर सरचार्ज को लेकर जो अमेंडमेंट हुआ उसका भी प्रैक्टिकल एक एग्जांपल समझ लिया। चलिए अब बात करते हैं, हमने अभी क्या समझा कि जनरल नॉर्मल टैक्स रेट्स क्या होंगी, इसको हम कह सकते हैं नॉर्मल टैक्सेशन रेजिम, नॉर्मल टैक्सेशन रेजिम। अब इस बार एक बहुत बड़ा अमेंडमेंट हुआ है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट हुआ है। एक नया सेक्शन आया है, सेक्शन 115BAC, उसमें अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम आई है। कंसेशनल टैक्स रेट्स बताई गई हैं इंडिविजुअल HUF के लिए। ये अमेंडमेंट इस बार का सबसे बड़ा तहलका है। ठीक है, इस पर एग्जाम में प्रैक्टिकल क्वेश्चन बन सकता है और हमने इस पर 3 प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स डिस्कस किए हैं। ठीक है, चलिए, तो अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम, और ये सिर्फ इंडिविजुअल HUF के लिए ही अप्लीकेबल है और इसके लिए सेक्शन इंसर्ट हुआ है, सेक्शन 115BAC। देखिए, नॉर्मल टैक्सेशन रेजिम अभी थोड़ी देर पहले हम पढ़ के आए, उसमें इंडिविजुअल HUF पर प्रोग्रेसिव स्लैब रेट्स थी। ठीक है, और हाईएस्ट स्लैब रेट थी 30%। अगर टोटल इनकम आपके 10 लाख से ऊपर हो जाती है तो 30% हाईएस्ट स्लैब रेट लग जाती है नॉर्मल टैक्सेशन रेजिम में। लेकिन सेक्शन 115BAC जो नया आया है, वो इनकम टैक्स में चैप्टर 12 में इंसर्ट हुआ है असेसमेंट ईयर 21-22 से, वो न्यू ऑप्शनल टैक्स रेजिम दे रहा है इंडिविजुअल HUF के लिए। कंसेशनल टैक्स रेट लेकर आया है ये चैप्टर। ठीक है, तो अब टैक्स 2 तरीके से कैलकुलेट करना होगा, इंडिविजुअल HUF के लिए नॉर्मल टैक्सेशन रेजिम के हिसाब से और अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम के हिसाब से। ठीक है, तो इस बार से सेक्शन 115BAC नया आया है और उसमें क्या टैक्स रेट बताई गई है अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम में। सेक्शन 115BAC का सबसेक्शन 1 वो क्या कहता है, अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम में इनकम टैक्स शेल बी कंप्यूटेड एट द ऑप्शन ऑफ द SSC। सबसे खास बात, ये अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम ऑप्शनल है। ठीक है, एस पर उसमें कंसेशनल टैक्स रेट दी गई है, लेकिन ये कंसेशनल टैक्स रेट का बेनिफिट तभी मिलेगा जब सेक्शन 115BAC के अंदर सब सेक्शन 2 में दी गई कंडीशंस फुलफिल की जाए। सेक्शन 115BAC के सब सेक्शन 2 में कंडीशंस पढ़ेंगे हम, कुछ रेस्ट्रिक्शंस पढ़ेंगे, तभी हमें कंसेशनल टैक्स रेट का एडवांटेज मिलेगा। ठीक है, चलिए, खैर, कंसेशनल टैक्स रेट्स हैं क्या, सेक्शन 115BAC का सबसेक्शन 1 बताता है, अगर टोटल इनकम
2.5 लाख रुपए तक है तो 0% टैक्स लगेगा, लेकिन अगर 2.5 लाख से ज़्यादा है लेकिन 5 लाख से ज़्यादा नहीं है तो 5%। ठीक है, अब चेंज हो रहा है। देखिए, नॉर्मल टैक्सेशन रेजिम में हमने पढ़ा 5 लाख से 10 लाख तक की इनकम पर सीधा 20% हो गया, ठीक है ना। लेकिन यहां अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम में क्या हो रहा है, अगर आपकी टोटल इनकम 5 लाख से ज्यादा है लेकिन 7.5 लाख रुपए तक ही है तो 10%। तो 5 लाख से 7.5 लाख के बीच की इनकम पर 10% लगाना है। और अगर 7.5 लाख, अगर टोटल इनकम 7.5 लाख को एक्सीड कर रही लेकिन 10 लाख से तक ही है तो 7.5 लाख से 10 लाख तक की इनकम पर 15%। ठीक है, और 10 लाख से इनकम ज़्यादा हुई लेकिन 12.5 लाख तक से ज़्यादा नहीं हुई है तो इसके बीच की इनकम पर 20% टैक्स लगेगा। और 12.5 लाख आपके 12.5 लाख से टोटल इनकम एक्सीड कर गई लेकिन 15 लाख तक ही है तो 25%। और अगर 15 लाख से एक्सीड कर गई तो 30%। देखो, हमने नॉर्मल टैक्सेशन रेजिम में पढ़ा 10 लाख से इनकम एक्सीड होते ही 30% टैक्स लग जाता है। नॉर्मल टैक्सेशन रेजिम में 10 लाख से ऊपर इनकम जाते ही 10 लाख के ऊपर जो इनकम गई उस पर टैक्स 30% लग जाता है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, बेनिफिट दे रहे हैं, 15 लाख को जब इनकम एक्सीड करेगी तो 30% लगेगा। जब टोटल इनकम 15 लाख को एक्सीड करेगी तो जो 15 लाख के ऊपर वाली इनकम है उस पर 30% लगेगा, बेनिफिट हुआ कि नहीं। अब तो देखो, इतनी सारी सेलिब्रेट्स दे दी, अब स्टूडेंट्स कहते हैं कि ये हम याद कैसे करें। याद करने का तरीका बताते हैं आपको। ये तो पता, ये एक बात याद रखना कि नॉर्मल टैक्सेशन रेजिम में 10 लाख से ऊपर इनकम जाते ही 30%, लेकिन यहाँ पर 15 लाख तक का फायदा दिया, 15 लाख के ऊपर इनकम जाएगी तो 30% टैक्स लगेगा। ठीक है, एक तो ये बात ध्यान रखना, क्या कि टोटल इनकम 15 लाख के ऊपर जाएगी तो 30% हाईएस्ट स्लैब रेट लगेगी, एक बात तो ये ध्यान रखना। और टोटल इनकम को 2.5 लाख से बढ़ाते जाना और टैक्स रेट को 5% से बढ़ाते जाना। तो देखो, टोटल इनकम को 2.5 लाख से बढ़ाते जाना और टैक्स रेट को 5% से बढ़ाते जाना, ये टेबल बन जाएगी आपकी। याद हो गया, हो गया कि नहीं। देखो, तो इस तरीके से टोटल इनकम 2.5 लाख से बढ़ाते जाना, टैक्स रेट 5% से बढ़ाते जाना। और एक बात ध्यान रखना कि नॉर्मल टैक्सेशन रेजिम में हाईएस्ट स्लैब रेट 30% तब लगती है जब टोटल इनकम 10 लाख से ज्यादा होती है, लेकिन अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम में टोटल इनकम 15 लाख से ज्यादा होगी तो ही हाईएस्ट स्लैब रेट 30% लगेगी। क्लियर? चलो, अब हमने नॉर्मल टैक्सेशन रेजिम में पढ़ा वो सीनियर सिटीजन के लिए 3 लाख तक बेसिक इनकम एग्जम्पशन लिमिट और वेरी सीनियर सिटीजन के लिए 5 लाख तक, तो क्या वो बातें यहाँ अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम में काम आएंगी? क्या नहीं? यहाँ तो इंडिविजुअल कैसा भी हो, चाहे सीनियर सिटीजन हो, सुपर सीनियर सिटीजन हो, सबके लिए 2.5 लाख है बेसिक इनकम एग्जम्पशन लिमिट, सबके लिए 2.5 लाख ही है। तो देखो, बेसिक इनकम एग्जम्पशन लिमिट को लेकर कमेंट हो रखा है, आपके बेसिक इनकम एग्जम्पशन लिमिट 2.5 लाख ही है, ये सीनियर सिटीजन के लिए भी है, सुपर सीनियर सिटीजन के लिए भी है। नॉर्मल टैक्सेशन रेजिम में तो क्या होता है, बेसिक इनकम एग्जम्पशन लिमिट रेजिडेंट सीनियर सिटीजन के लिए 3 लाख थी और सुपर सीनियर सिटीजन रेजिडेंट के लिए 5 लाख थी, लेकिन अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम में सबके लिए 2.5 लाख की ही बेसिक इनकम एग्जम्पशन लिमिट रहेगी। क्लियर?
अच्छा, एक इशू और 87A की रिबेट मिलेगी कि नहीं? 87A की रिबेट ध्यान है कि कितनी मिलती है? बेसिक टैक्स का 100% और 12,500, विच एवर इज लेस, सेक्शन 87A की टैक्स रिबेट, वो मिलेगी कि नहीं अगर SSC अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम फॉलो करता है? तो मिलेगी, तो 87A की रिबेट भी अवेलेबल रहेगी एक ऐसा, बट वो तो सिर्फ रेजिडेंट इंडिविजुअल को मिलती है ना। हाँ, 87A की कंडीशन ध्यान रखनी पड़ेगी कि वो 87A के अंदर लिखा था कि वो रेजिडेंट इंडिविजुअल को ही 87A की टैक्स रिबेट क्लेम करना अलाउ है, और वो भी तब जब उसकी टोटल इनकम 5,00,000 से ज़्यादा ना हो। ठीक है, तो वो रेजिडेंट इंडिविजुअल के लिए ही है और टोटल इनकम 5,00,000 से ज़्यादा ना हो, वो कंडीशंस तो फॉलो करनी पड़ेंगी। 87A की रिबेट क्लेम करने की कंडीशन क्या है कि SSC रेजिडेंट इंडिविजुअल होना चाहिए और उसकी टोटल इनकम 5,00,000 से ज़्यादा ना हो। ठीक है, तो अगर कोई पर्सन इंडिविजुअल रेजिडेंट है, टोटल इनकम 5,00,000 से ज़्यादा नहीं है, तो वो भी 87A की रिबेट क्लेम कर सकता है। कितनी? बेसिक टैक्स का 100% और 12,500 रुपये, विच एवर इज लेस। क्लियर? चलो, अब ये इशू अराइज होता है, ये जो टैक्स रेट हमने पढ़ी, क्या स्पेशल इनकम्स पे भी यही टैक्स रेट लगेगी क्या? वो स्पेशल इनकम क्या, वो LTCG कैजुअल इनकम, ठीक है, उन पे भी ये टैक्स रेट लगेगी क्या? नहीं, उन स्पेशल इनकम्स पर ये टैक्स रेट्स नहीं लगेंगे। क्यों? कारण बताओ। देखिए, स्पेशल टैक्स रेट्स एप्लीकेबल हैं स्पेशल इनकम्स पर, तो स्पेशल टैक्स रेट्स ही लगेंगी। अगर SSC भले ही अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम फॉलो कर ले, ठीक है, तो उस पर जो स्पेशल इनकम्स हैं सेक्शन 110 से 115 BBG तक की इनकम, ठीक है, तो क्या होगा, टैक्स ऑन सच इनकम्स शेल बी कंप्यूटेड एज पर स्पेशल टैक्स रेट्स ही लगेंगी। तो ये ऊपर जो टेबल डिस्कस करी, वो वाली टैक्स रेट किस पे लगेंगी? बैलेंस इनकम पर, ठीक है ना। तो अगर आपकी स्पेशल इनकम है, कौन सी, अगर आपकी स्पेशल इनकम है सेक्शन 111A वाला STCG, ठीक है, तो 15%, उस पर तो 15% टैक्स रेट ही लगेगी। LTCG सेक्शन 112 वाला 20%, 10%, और LTCG सेक्शन 112A वाला उस पर 10%, 115BB वाली कैजुअल इनकम उस पर 30%, और अनएक्सप्लेन कैश क्रेडिट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर वगैरह, वो जो इनकम 115BBE में कवर होती है, उस पर टैक्स रेट 78%। तो कहने का मतलब ये कि स्पेशल इनकम्स पर तो स्पेशल रेट से ही टैक्स लगेगा, बैलेंस इनकम पर ये ऊपर वाली टेबल के हिसाब से टैक्स रेट्स लगेंगी। ठीक है, अच्छा, अब एक इश्यू आ जाता है, सरचार्ज और हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगेगा क्या? यस, लगेगा। जैसे नॉर्मल टैक्सेशन रेजिम में लगता है ना, वैसे ही अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम में भी सरचार्ज और हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगेगा। क्लियर, बात खत्म हो गई। अब इस बात को भले ही कितना भी खींचो, वही सरचार्ज वैसे ही लगेगा। आपका टोटल इनकम 50,00,000 तक है तो 0, 50,00,000 से एक्सीड है लेकिन 1 करोड़ से एक्सीड नहीं है तो 10%, 1 करोड़ से एक्सीड है टोटल इनकम और 2 करोड़ से एक्सीड नहीं करिए तो 15%, वही सारी बातें। और यहाँ पर भी वही बात कि अगर टोटल इनकम के अंदर वो स्पेसिफाइड इनकम शामिल है सेक्शन 111A वाला STCG, सेक्शन 112A वाला LTCG और डिविडेंड इनकम, तो उसके टैक्स पर जनरल सरचार्ज ही लगेगा, एनहांस्ड सरचार्ज नहीं लगेगा, मतलब किसी भी हालत में 15% से ज़्यादा नहीं।
ये बात तो ऑलरेडी वो नॉर्मल टैक्सेशन रेजिम में जैसा है वैसा अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम में भी लगेगा, क्लियर। और वही बेसिक टैक्स कैलकुलेट होने के बाद उसमें सरचार्ज जोड़ा जाएगा बेसिक टैक्स का, ठीक है, ऊपर हमने डिस्कस कर लिया। और हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगेगा 4% बेसिक टैक्स प्लस नेट सरचार्ज का, ठीक है। तो टैक्स रेट को लेकर बात कंप्लीट हुई, सेक्शन 115 बी एसी का सबसेक्शन 1। अब बात करते हैं सेक्शन 115 बी एसी का सबसेक्शन 2, कंडीशंस और रेस्ट्रिक्शंस। आप कुछ कंडीशंस फॉलो करोगे तो ही आपको वो अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम अलाउ होगी, अदरवाइज नहीं होगी, ठीक है। तो अब देखिए कंडीशंस रेस्ट्रिक्शंस क्या हैं। फॉलोइंग कंडीशंस मस्ट बी सेटिस्फाइड इन ऑर्डर टू अवेल द बेनिफिट ऑफ कंसेशनल टैक्स रेट्स अंडर अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम 115 बीएसी। क्या क्या कंडीशंस हैं? एसएससी इंडिविजुअल एचएफ होना चाहिए, इंडिविजुअल एचएफ होना चाहिए। असेसमेंट ईयर 2021-22 से ही सेक्शन आई है, बट ध्यान रखना ये सेक्शन तो ऑप्शनल है। अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम ये सेक्शन ऑप्शनल है। एसएससी चाहे रेजिडेंट हो चाहे इंडिविजुअल, एचएफ चाहे रेजिडेंट हो चाहे नॉन रेजिडेंट हो, और वो चाहे इंडिविजुअल चाहे सैलरीड एम्प्लॉई हो चाहे रिटायर्ड एम्प्लॉई हो, उसको सैलरी इनकम हो चाहे वो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन हो, बिजनेस इनकम हो चाहे कोई भी इनकम हो, कोई भी इनकम हो, चाहे वो इंडिविजुअल एचएफ रेजिडेंट हो चाहे नॉन रेजिडेंट हो, चलेगा, ठीक है। कहने का मतलब नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल एचएफ पे भी अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम अलाउ है, ठीक है, चलो। लेकिन सेक्शन 115 बीएसी का सबसेक्शन 2 कहता है अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम तभी ऑप्ट की जा सकती है जब कुछ कंडीशंस और रेस्ट्रिक्शंस का ध्यान रखा जाए। तो उसमें सबसे बड़ा मुद्दा जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कुछ एग्जेम्पशंस कुछ डिडक्शंस अलाउ नहीं होंगे, कुछ एग्जेम्पशंस कुछ डिडक्शंस ये आपको छोड़ने पड़ेंगे, अलाउ नहीं होंगे अगर आप अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम ऑप्ट करना चाहता है वो इंडिविजुअल एचएफ, तो फिर उसको कुछ एग्जम्पशंस कुछ डिडक्शंस छोड़ने पड़ेंगे। उसको हम अपनी कन्वीनियंस के लिए बोल दें ब्लॉक्ड एग्जम्पशन और डिडक्शंस, ब्लॉक्ड, ठीक है। फिर जैसे जीएसटी में होता ना ब्लॉक्ड क्रेडिट, वैसे ही यहां पर एग्जम्पशंस कुछ एग्जम्पशंस और डिडक्शंस को ब्लॉक किया गया है, अलाउ नहीं किए जाएंगे अगर एसएससी अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम फॉलो करता है तो, क्लियर। चलो तो टोटल इनकम कंडीशन क्या है, टोटल इनकम ऑफ इंडिविजुअल एचएफ शैल बी कंप्यूटेड अंडर अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम विदाउट क्लेमिंग फॉलोइंग एग्जम्पशंस डिडक्शंस जो नॉर्मली उसको नॉर्मल टैक्सेशन रेजिम में अलाउ थे लेकिन अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम में अलाउ नहीं होंगे। वो कौन कौन से एग्जम्पशंस या डिडक्शंस हैं ये कंप्लीट लिस्ट दे रखी है, ये लिस्ट पढ़िए। ये कुछ एग्जम्पशंस कुछ डिडक्शंस हैं वो अलाउ नहीं होंगे अगर एसएससी अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम ऑप्ट करता है तो। लिव ट्रेवल कंसेशन LTC पर एग्जम्पशन मिलता है सेक्शन 10(5) में, सेक्शन 10(5) में एग्जम्पशन मिलता है। अगर एम्प्लॉई अलोंग विथ फैमिली मेंबर इंडिया में कहीं पर भी घूमने जाता है तो उसका एम्प्लॉयर उसको कुछ अमाउंट देता है, ठीक है, उस पर एग्जम्पशन मिलता है, लिव ट्रेवल कंसेशन कहलाता है, ठीक है। तो कितना अमाउंट मिला और कितना एक्चुअल एक्सपेंडिचर हुआ, और तीसरा मैक्सिमम लिमिट कैलकुलेट करते हैं, ध्यान है आपको सैलरी एड में पढ़ा होगा आपने ये, तो मैक्सिमम लिमिट कैसे निकालते हैं। अगर जर्नी परफॉर्म्ड बाय एयर है तो
इकोनॉमी क्लास का फेयर बाय द नेशनल कैरियर वो कहलाएगा मैक्सिमम लिमिट। अगर जर्नी परफॉर्म बाय रेल है तो फर्स्ट क्लास एसी टिकट, ठीक है, तो इस तरीके से रेलवे टिकट वो उसका जो किराया है वो मैक्सिमम लिमिट कहलाएगा। ठीक है, तो मैक्सिमम लिमिट आ जाएगी। तीन कैलकुलेशंस करनी है, एक्चुअल कितना मिला, सेकंड खर्चा कितना हुआ भाड़े पर फेयर पर, और थर्ड मैक्सिमम लिमिट, विच एवर इज लेस उतना एग्जम्पशन मिलता है एलटीसी पर सेक्शन 10(5) में। क्लियर, तो वो नहीं मिलेगा अगर एसएससी अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम ऑप्ट करेगा तो उसको सेक्शन 10(5) का एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। और उसको एचआरए हाउस रेंट अलाउंस का भी एग्जम्पशन नहीं मिलेगा, सेक्शन 10(13A) वो एग्जम्पशन भी उसे नहीं मिलेगा। और अलाउंसेस जो नोटिफाइड है सेक्शन 10(14) में जो अलाउंसेस नोटिफाइड है वो भी एग्जम्पशन उसे नहीं मिलेगा। ठीक है, नॉर्मली नहीं मिलेगा, लेकिन अदर देन एक्सेप्शन दे रखे हैं, मतलब ये चार आगे जो बातें दे रखी हैं ये वाले नोटिफाइड अलाउंसेस पर एग्जम्पशन मिल जाएगा भले ही एसएससी अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम फॉलो कर रहा है। तो अदर देन दोज इसमें भी प्रेस्क्राइब्ड, तो कन्वेंस अलाउंस ग्रांटेड टू मीट द एक्सपेंडिचर ऑन कन्वेंस फॉर परफॉर्मेंस ऑफ ऑफिशियल ड्यूटी, ये वाला एग्जम्पशन स्टिल उसे अलाउ होगा भले ही वो अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम फॉलो करता है, ऑप्ट करता है। इसके अलावा एनी अलाउंस ग्रांटेड टू मीट द कॉस्ट ऑफ ट्रेवल ऑन टूर और ट्रांसफर, तो टूर अलाउंस ट्रांसफर अलाउंस ये भी एग्जम्पशन वो ले पाएगा। ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो दिव्यांग एम्प्लॉई को मिलता है, ब्लाइंड डेफ एंड डम और ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड होते हैं जो एम्प्लॉई, उनके लिए फॉर द पर्पस ऑफ कम्यूटिंग बिटवीन प्लेस ऑफ रेजिडेंस एंड प्लेस ऑफ ड्यूटी, ये ट्रांसपोर्ट अलाउंस का एग्जम्पशन स्टिल अलाउ है। और डेली अलाउंस टू मीट द ऑर्डिनरी डेली चार्जेस इनकर्ड बाय एन एम्प्लॉई टू ऑन अकाउंट ऑफ एब्सेंस फ्रॉम इस नॉर्मल प्लेस ऑफ ड्यूटी, ठीक है, ये चार जो अलाउंसेस हैं इनके रेस्पेक्ट में तो एग्जम्पशन स्टिल अलाउ हो जाएगा भले ही एसएससी अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम फॉलो करता है। ठीक है, चलिए, तो हम लिस्ट पढ़ रहे हैं, कुछ एग्जम्पशन कुछ डिडक्शंस नहीं मिलेंगे, एसएससी को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा कुछ एग्जम्पशंस का कुछ डिडक्शंस का, तभी उसे अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम ऑप्ट करने दिया जाएगा। और एमएलए एमपीस को जो डेली और कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस का एग्जम्पशन मिलता है सेक्शन 10(17) में वो भी नहीं मिलेगा। इसके अलावा अगर माइनर चाइल्ड की इनकम क्लब होती है, तो पेरेंट्स में क्लब होती है माइनर चाइल्ड की इनकम कुछ सिचुएशन में, तो उस पर 1500 रुपये तक का एग्जम्पशन मिलता है पर चाइल्ड का। ठीक है, सेक्शन 10(32) में एग्जम्पशन मिलता है 1500 रुपये तक का, वो एग्जम्पशन भी नहीं मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा अगर एसएससी सेज एरिया स्पेशल इकोनॉमिक जोन में यूनिट सेटअप करता है तो उसे 15 साल तक सेक्शन 10(AA) में एग्जम्पशन मिलता है, तो वो सेज वाला एग्जम्पशन भी सेक्शन 10(AA) वाला एग्जम्पशन वो क्लेम नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये तो अभी तक सेक्शन 10 के एग्जम्पशन चल रहे थे, ये अलाउ नहीं होंगे। अब बात करते हैं कुछ सैलरी हेड के डिडक्शंस की, स्टैंडर्ड डिडक्शन सेक्शन 16 वाले, सेक्शन 16 क्लॉज 1A 50,000 तक अलाउ होता है, एसएससी नहीं ले सकता अगर वो अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम ऑप्ट कर रहा है। एंटरटेनमेंट अलाउंस का जो डिडक्शन जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई को ही मिलता है सेक्शन 16 क्लॉज 2 में वो भी नहीं मिलेगा, और प्रोफेशनल टैक्स उसने पेमेंट किया उसका भी डिडक्शन नहीं मिलेगा जो नॉर्मली मिलता है सेक्शन 16 क्लॉज 3 में। तो सेक्शन 16 के जो सैलरी हेड में डिडक्शन मिलते हैं वो अलाउ नहीं होंगे।
ठीक है, अब बात करते हैं हाउस प्रॉपर्टी हेड के कुछ डिडक्शंस अलाउ नहीं होंगे। आपको ध्यान है सेक्शन 24 क्लॉस बी, इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन बोरोड कैपिटल। ध्यान है, अगर आपकी प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है या नॉट ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, एसओपी एनओपी जो फॉल कर रही है सेक्शन 23 सबसेक्शन 2 में, उस पर देखिए एसओपी एनओपी प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू निल होती है, ठीक है, बस उस पर एक ही डिडक्शन अलाउ होता है इंटरेस्ट का, वो भी अलाउ नहीं होगा अगर एसएससी अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम ऑप्ट करता है तो, ठीक है। अब बात करते हैं, देखिए यहां सिर्फ एसओपी एनओपी का बोला, एक खास बात, यहां पर सिर्फ एसओपी एनओपी पर जो इंटरेस्ट का डिडक्शन है वो अलाउ नहीं होगा। तो एक इशू अराइज होता है, एक बात आती है दिमाग में, अगर प्रॉपर्टी लेट आउट प्रॉपर्टी है, एलओपी या डीएलओपी डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी है, तो क्या इंटरेस्ट का डिडक्शन अलाउ हो जाएगा क्या, हो जाएगा क्या, उसके बारे में आगे बात करेंगे। आगे एलओपी डीएलओपी प्रॉपर्टी के बारे में बात आएगी, यहां पर तो सिर्फ एसओपी एनओपी प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट का डिडक्शन मना किया गया है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम बिजनेस हेड पीजीबीपी हेड के कुछ डिडक्शंस अलाउ नहीं होंगे। इसमें पहला आता है एडिशनल डेप्रिसिएशन सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 क्लॉज सेकेंड ए, एडिशनल डेप्रिसिएशन एसएससी क्लेम नहीं कर पाएगा। मैन्युफैक्चरर को अलाउ होता है 20% की रेट से, नहीं मिलेगा अगर एसएससी अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम ऑप्ट करता है। इसके अलावा इन बिजनेस हेड के और भी डिडक्शंस देखिए, यहां से लेकर आपके यहां तक बिजनेस हेड पीजीबीपी हेड के डिडक्शंस की बात हो रही है। पीजीबीपी वो अलाउ नहीं होंगे, तो इन्वेस्टमेंट अलाउंस 32AD, नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया आंध्र प्रदेश बिहार तेलंगाना वगैरह में वो यूनिट लगाता है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, तो इन्वेस्टमेंट अलाउंस का डिडक्शन मिलता है, वो नहीं मिलेगा, हालांकि ये सेक्शन अब अप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। और वो टी डेवलप कॉफी और रबड़ डेवलपमेंट अकाउंट का डिडक्शन क्लेम करता है सेक्शन 32AB में, या साइट रेस्टोरेशन फंड का डिडक्शन क्लेम करता है सेक्शन 33AB में, इसका भी डिडक्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। अब साइंटिफिक रिसर्च की बात करते सेक्शन 35 सबसेक्शन 1 क्लॉज सेकेंड, कंट्रीब्यूशन डोनेशन, ठीक है, सेकेंड ए और थर्ड क्लॉज थर्ड और 35 2AA, ये सारे के सारे कंट्रीब्यूशंस और डोनेशंस की बात हो रही है, ठीक है। तो साइंटिफिक रिसर्च के लिए वो डोनेशन देता है, उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। अब एक सवाल पैदा होता है, अगर वो खुद इनहाउस रिसर्च करता है उस पर वो कैपिटल एक्सपेंडिचर करता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करता है, तो उसका डिडक्शन उसे मिलेगा या नहीं अगर वो अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम फॉलो करता है, तो बताइए। यहां पर ये जो साइंटिफिक रिसर्च वाली सेक्शन आ रही है, ये सिर्फ कंट्रीब्यूशन डोनेशन को ही रेस्ट्रिक्ट कर रही है, ठीक है। तो अगर वो खुद इनहाउस रिसर्च करता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर करता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करता है, तो उसका डिडक्शन उसे स्टिल अलाउ हो जाएगा, भले ही वो अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम फॉलो करे, ऑप्ट करे, ठीक है, वो तो अलाउ हो जाएगा। सिर्फ कंट्रीब्यूशन और डोनेशन बेस्ड जो डिडक्शन है रिसर्च के लिए, वो डिडक्शन उसे अलाउ नहीं है अगर वो अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम फॉलो करेगा तो, क्लियर। अब देखो 35AD स्पेसिफाइड बिजनेस, उसका भी डिडक्शन अलाउ नहीं होगा। और
सेक्शन 35CC एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन प्रोजेक्ट का भी डिडक्शन अलाउ नहीं होगा। एक और होता है 35CCD, बट उसकी बात यहाँ करना ही मत, वो कंपनी को अलाउ होता है तो वो तो वैसे भी अलाउ नहीं होगा, ठीक है ना। क्यों? यहाँ पर ये अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम सिर्फ इंडिविजुअल AHF को ही अलाउ है, ठीक है। और अब बात करते अदर सोर्सेस हेड में, वो फैमिली पेंशन पर स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है सेक्शन 57 क्लॉज 2A में। कितना? फैमिली पेंशन का 1/3 और 15,000 विच एवर इज लेस, ध्यान है, वो भी नहीं मिलेगा अगर SSC अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम ऑप्ट करता है। और बहुत खास बात, चैप्टर 6A के डिडक्शंस भी उसको नहीं मिलेंगे। वो ध्यान है, वो 80C इन्वेस्टमेंट करते हो, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हो, PPF में पैसा डालते हो, 80C वो डिडक्शन भी नहीं मिलेगा। वो मेडिक्लेम प्रीमियम पे किया, TD वो डिडक्शन नहीं मिलेंगे। वो सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट, उस पर ATTTA में डिडक्शन मिलता है, वो सब नहीं मिलेंगे। तो अगर SSC अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम ऑप्ट करता है तो उसको चैप्टर 6A के डिडक्शंस नहीं मिलेंगे। लेकिन यहां 3 एक्सेप्शन हैं। ये 3 डिडक्शन तो स्टिल वो क्लेम कर पाएगा भले ही वो अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम ऑप्ट करता है। एम्प्लॉयर ने कॉन्ट्रीब्यूशन किया NPS में, 80CCD के सबसेक्शन 2 का डिडक्शन स्टिल अलाउ हो जाएगा। और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन वाला सेक्शन 80JJAA स्टिल अलाउड। और डिडक्शन फॉर यूनिट इन इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर ATLA, ये 3 डिडक्शन स्टिल अलाउ हैं भले ही SSC अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम ऑप्ट करे, ठीक है। तो ये कंडीशंस हैं, रेस्ट्रिक्शंस हैं, हमने बात की, कुछ एग्जम्पशंस, कुछ डिडक्शंस अलाउ नहीं होंगे, उनको हम ब्लॉक्ड एग्जम्पशंस, ब्लॉक्ड डिडक्शंस बोलते हैं, ठीक है, वो अलाउ नहीं होंगे। अब एक खास बात, इसके अलावा जो एग्जम्पशंस और डिडक्शंस हैं जो ऊपर इस लिस्ट में नहीं आ रहे हैं, क्या वो अलाउ हो जाएंगे? यस, वो अलाउ हो जाएंगे। जैसे वो PPF का इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट होता है सेक्शन 10(11) में, वो स्टिल एग्जेम्प्ट रहेगा क्या? यस, रहेगा, ठीक है। तो अदर एग्जेम्पशंस जो ऊपर इस लिस्ट में नहीं दे रखे हैं वो स्टिल अलाउ होंगे भले ही SSC अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम ऑप्ट करे, क्लियर। तो ये कुछ रेस्ट्रिक्शंस थे। अब बात करते हैं कुछ और रेस्ट्रिक्शंस की। SSC के कुछ बेनिफिट्स बंद कर दिए जाएंगे अगर वो अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम ऑप्ट करेगा तो। उसे कुछ लॉसेस का सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड अलाउ नहीं होगा। तो देखिए, हेडिंग आपको दे रखा है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ सर्टेन लॉसेस नॉट अलाउड। SSC की टोटल इनकम कंप्यूट की जाएगी विदाउट एडजस्टिंग ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस एंड अनएब्जॉर्ब्ड एडिशनल डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो लॉसेस SSC सेट ऑफ नहीं कर पाएगा, कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएगा, और अगर एडिशनल डेप्रिसिएशन अनएब्जॉर्ब्ड है तो वो भी सेट ऑफ नहीं करा पाएगा, कैरी फॉरवर्ड नहीं करा पाएगा जो पास्ट ईयर से आ रहे हैं, ठीक है। इफ सच लॉस अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन इज एट्रीब्यूटेबल टू एनी ब्लॉक्ड डिडक्शन, ऊपर हमने पढ़ा इतनी सारी लिस्ट ब्लॉक्ड डिडक्शन से रिलेटेड, अगर कोई लॉस है वो उसे अलाउ नहीं होगा, उस लॉस का सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड अलाउ नहीं होगा। इन अदर वर्ड्स आगे आपको दे रखा है सच लॉस और अनएब्जॉर्ब्ड एडिशनल डेप्रिसिएशन शैल नॉट बी अलाउड टू बी सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड, मतलब वो लॉस, वो डेप्रिसिएशन लैप्स हो जाएगा, मतलब गवर्नमेंट कह रही है वो भूल जाना, वो लैप्स हो जाएंगे।
उनका सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड अलाउ नहीं होगा। चलिए इसको हम कुछ एग्जांपल्स से समझते हैं। मिस्टर ए एक्स है, उसके दो बिजनेस हैं, एक 35 AD वाला होटल वाला, 3-स्टार होटल वाला बिजनेस है, और एक उसका इलेक्ट्रॉनिक आइटम वाला बिजनेस है। दो बिजनेस है उसके, ठीक है। उसके पास ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है 10 लाख का, उसमें से 7 लाख का लॉस 35 AD वाले बिजनेस, होटल बिजनेस से रिलेटेड है, ठीक है। तो इस केस में वो 7 लाख का लॉस जो 35 AD वाले बिजनेस से रिलेटेड है, 35 AD वाला डिडक्शन ब्लॉक देना, हाँ, तो उससे रिलेटेड लॉस का सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड भी अलाउ नहीं होगा। तो ये 7 लाख का उसे सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड नहीं मिलेगा, ये लॉस लैप्स हो जाएगा। तो बाकी का जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम वाला जो बिजनेस है, उसका जो लॉस है रिमेनिंग 3 लाख, वो अलाउ होगा कि नहीं? यस, वो तो अलाउ हो जाएगा, उसका सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड अलाउ हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब, जो ब्लॉक्ड डिडक्शंस से रिलेटेड अगर कोई लॉस है तो उसका सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड नहीं मिलेगा, ठीक है। अब एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करते हैं। मिस्टर एक्स है जिसके पास अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन है 6 लाख का, ठीक है। इसमें से 2 लाख एडिशनल डेप्रिसिएशन की वजह से है, ठीक है। और एडिशनल डेप्रिसिएशन तो ब्लॉक्ड है अल्टरनेटिव टैक्सेशन रिजिम में, यस। तो इस केस में वो जो एडिशनल डेप्रिसिएशन है, एडिशनल डेप्रिसिएशन है 2 लाख अनएब्जॉर्ब्ड, वो उसका सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड अलाउ नहीं होगा। बाकी का जो 4 लाख है ना रिमेनिंग, जो नॉर्मल डेप्रिसिएशन से रिलेटेड है, जो नॉर्मल डेप्रिसिएशन से रिलेटेड है अनएब्जॉर्ब्ड अमाउंट, उसका सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड तो अलाउ हो जाएगा, ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल, मिस्टर जेड, सपोज उसने कोई एसेट खरीदी जिस पर एडिशनल डेप्रिसिएशन अलाउ होता है, और उसने वो एसेट पुट टू यूज की लेस देन 180 डेज। तो अब ध्यान रखना, ईयर हमने कौन सा लिखा है, प्रीवियस ईयर 2019-20, जब अल्टरनेटिव टैक्सेशन रिजिम अप्लीकेबल नहीं थी। अल्टरनेटिव टैक्सेशन रिजिम कब से आई है? असेसमेंट ईयर 21-22 से आई है। असेसमेंट ईयर 20-21 में नहीं थी, मतलब प्रीवियस ईयर 19-20 में नहीं थी, तब एडिशनल डेप्रिसिएशन उसने क्लेम कर लिया। उसने ऐसी कोई एसेट खरीदी जिस पर एडिशनल डेप्रिसिएशन अलाउ था, बट उसने वो एसेट लेस देन 180 डेज पुट टू यूज की, ठीक है। तो उसको हाफ एडिशनल डेप्रिसिएशन अलाउ हुआ। एडिशनल डेप्रिसिएशन में एक सिस्टम है कि अगर आपकी एसेट लेस देन 180 डेज पुट टू यूज है, तो आप हाफ उस ईयर में लो, बाकी का रिमेनिंग हाफ 20% अलाउ होता है टोटल। तो रिमेनिंग आप 10% जो बचा वो नेक्स्ट ईयर में ले सकते हो, सबसेक्वेंट ईयर में ले सकते हो, इमीडिएटली सक्सीडिंग ईयर में ले सकते हो। लेकिन इमीडिएटली सक्सीडिंग ईयर 2021, उसमें SEC घुस गया अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम में, ठीक है। तो नेक्स्ट ईयर में SEC अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम में घुस गया ना, तो फिर वो रिमेनिंग एडिशनल 10% एडिशनल डेप्रिसिएशन उसको अलाउ होगा कि नहीं? अरे एडिशनल डेप्रिसिएशन ब्लॉक्ड है तो कैसे अलाउ होगा? तो उसका वो बैलेंस 10% क्लेम करना रह जाएगा, ठीक है, लैप्स हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, तो प्रीवियस ईयर 2019-20 में क्या हुआ, उसने क्लेम किया हाफ एडिशनल डेप्रिसिएशन 10%, ठीक है। अब प्रीवियस ईयर 2021 में उसने 115 BAC का ऑप्शन एक्सरसाइज कर लिया, देन बैलेंस हाफ एडिशनल डेप्रिसिएशन, ध्यान से सुनो, बैलेंस हाफ एडिशनल डेप्रिसिएशन शेल नॉट टू बी अलाउड टू बी सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। तो अब इश्यू राइज होता है, वो बैलेंस का क्या होगा? तो एक बार तो उन्होंने कह दिया कि ठीक है, वो तो अलाउ नहीं होगा, उसका सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड अलाउ नहीं होगा,
ठीक है, बट आगे जाकर सेक्शन 115 बी एसी के सबसेक्शन 3 में जाकर एक और बात लिखी कि ये जो बैलेंस एडिशनल डेप्रिसिएशन जिसका सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड अलाउ नहीं हुआ उसका इफेक्ट दिया जाएगा WDV ऑफ द रेलेवेंट ब्लॉक के अंदर एज ऑन 1 अप्रैल 2020 में। ठीक है, मतलब प्रीवियस ईयर 2021 में, और वो आगे चलकर डिस्कस किया कहां पर, सेक्शन 115 बी एसी के सबसेक्शन 3 में। ठीक है, अब आप देखिए हाउस प्रॉपर्टी हेड के लॉस को लेकर बात। देखिए एसओपी एनओपी उसकी तो एनुअल वैल्यू निल होती है और उस पर इंटरेस्ट का डिडक्शन भी हम ऊपर पढ़ के आए अलाउ होगा ही नहीं। तो अब बात बची सिर्फ प्रॉपर्टी अगर एलओपी डीएलओपी है, इनकम में से डिडक्शन लेस हो गए, लॉस आ गया, लॉस अंडर हाउस प्रॉपर्टी हेड वो भी क्या होगा, सेट ऑफ नहीं करने दिया जाएगा। किससे, हाउस प्रॉपर्टी हेड में लॉस आ गया विथ एनी इनकम अंडर एनी अदर हेड ऑफ द इनकम, आपको करंट ईयर में वो अदर इनकम से सेट ऑफ नहीं करने दिया जाएगा और वो उसको नेक्स्ट ईयर में भी कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो करंट ईयर में भी अदर इनकम से वो लॉस सेट ऑफ नहीं होगा और उसको कैरी फॉरवर्ड करके भी नेक्स्ट ईयर में नहीं ले जा पाएंगे। ठीक है, ध्यान से सुनना, ना तो वो अदर इनकम से सेट ऑफ होगा करंट ईयर में और नेक्स्ट ईयर में भी वो कैरी फॉरवर्ड करके ले जाना अलाउ नहीं है। क्लियर, अब आइए, अब कह रहे टोटल इनकम ऑफ एसएससी शैल बी कंप्यूटेड विदाउट एनी एग्जम्पशन और डिडक्शन फॉर अलाउंस और परक्यूजेट प्रोवाइडेड अंडर एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बींग इन फोर्स। फॉर एसएससी, फॉर एग्जाम्पल एसएससी को परक्यूजेट मिला फ्री फूड एंड बीवरेजेस प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर, वो टैक्सेबल हो जाएगा अगर एसएससी अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम सेक्शन 115 बी एसी ऑप्ट करता है तो। क्लियर, तो ये फूड बीवरेजेस वाला परक्यूजेट उसको टैक्सेबल हो जाएगा, उस पर उसको कोई एग्जम्पशन वगैरह नहीं मिलेगा। चलो ये सब ऊपर एडिशनल डिप्रिसिएशन ब्लॉक कर दिया तो सवाल पैदा होता है नॉर्मल डेप्रिसिएशन मिलेगा कि नहीं। यस मिलेगा, ब्लॉक तो सिर्फ एडिशनल डेप्रिसिएशन ही किया है। अब ये बात नीचे लिखी है डेप्रिसिएशन प्रेस्क्राइब्ड मोड में मिल जाएगा आफ्टर नॉर्मल डेप्रिसिएशन तो अलाउ है, एडिशनल अलाउ नहीं है। ठीक है, प्रेस्क्राइब्ड मैनर में अलाउ है लेकिन एक कंडीशन, एक लफड़ा, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम डेप्रिसिएशन रेट 40%, 40% से ज्यादा डेप्रिसिएशन किसी भी हालत में अलाउ नहीं होगा। आप कहेंगे सर वो 40% से ज्यादा तो अलाउ कहीं पे भी नहीं है, कोई रेट ही नहीं है डेप्रिसिएशन की 40% से ज्यादा, एक जगह है 45%, एक जगह है, याद करो। अगर आपकी मोटर लॉरी वगैरह है, टैक्सी, मोटर टैक्सी वगैरह है जो कि इन द बिजनेस ऑफ रनिंग देम ऑन हायर काम आती है और जो एक्वायर हुई कब, 23 अगस्त 2019 से 31 मार्च 2020 तक और पुट टू यूज़ हो गई 31 मार्च 2020 तक। ठीक है, तो उस पर डेप्रिसिएशन गवर्नमेंट ने 45% अलाउ किया है ना, तो एक जगह है 45%। लेकिन अगर एसएससी अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम ऑप्ट करता है तो वो 45% भी उसके लिए हो जाएगा 40, नॉर्मल, समझे कि नहीं, मतलब वो 40% से ज्यादा किसी भी हालत में नॉर्मल डेप्रिसिएशन भी क्लेम नहीं कर पाएगा, समझे बात। चलो अब
अब अभी हमने बात की थी कि जो उसका अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन था, ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस और अनएब्जॉर्ब्ड एडिशनल डेप्रिसिएशन एज मेंशन्ड अबव शेल बी डीम्ड टू हैव बीन गिवन ऑलरेडी गिवन फुल इफेक्ट टू, मतलब उसका कोई ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है, ऊपर जो सेक्शंस थी जो ब्लॉक की गई थी डिडक्शन वगैरह उससे रिलेटेड कोई लॉस है, जैसे 35 AD, ठीक है, उसका वो पिछले साल से ब्रॉड फॉरवर्ड हो के आया, इस साल कैरी फॉरवर्ड हो के, तो अलाउ नहीं होगा। क्यों? SSC अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम में जा रहा है, और नो फर्दर डिडक्शन ऑफ सच लॉस और अनएब्जॉर्ब्ड एडिशनल डेप्रिसिएशन शेल बी अलाउड फॉर एनी सब्सिक्वेंट ईयर। ठीक है, तो अब देखिए अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन एडिशनल डेप्रिसिएशन को लेकर एक बात, अनएब्जॉर्ब्ड एडिशनल डेप्रिसिएशन को लेकर एक बात कह रहे हैं, उसका तो एडजस्टमेंट करेंगे, यस, इन रेस्पेक्ट ऑफ ब्लॉक ऑफ एसेट हैज नॉट बीन गिवन, उसका पूरा इफेक्ट नहीं दिया जा सका प्रायर टू असेसमेंट ईयर। क्यों? SSC 115 BSC में चला गया फॉर दैट ईयर, तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एडजस्टमेंट उस ब्लॉक की WDV में किया जाएगा। कब? 1 अप्रैल 2020 को प्रेस्क्राइब्ड मैनर में, अगर SSC अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम का ऑप्शन एक्सरसाइज करता है तो क्या होगा? प्रेस्क्राइब्ड मैनर में एडजस्टमेंट होगा, WDV 1 अप्रैल 2020 की इंक्रीज कर दी जाएगी उस अनएब्जॉर्ब्ड एडिशनल डेप्रिसिएशन के अमाउंट से जिसका सेट ऑफ नहीं मिला था। आप कहेंगे सर नहीं समझ आ रहा, एग्जाम्पल से बताओ तो कुछ बात बने, तो देखिए नीचे एक एग्जाम्पल दे रखा है, इस बात को हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। मिस्टर एक्स है, उसका बिजनेस है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील का, मैन्युफैक्चरर है, तो एडिशनल डेप्रिसिएशन मैन्युफैक्चरर को वैसे अलाउ होता है। अब उसके पास अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन है एज ऑन 1 अप्रैल 2020 को, और उसके अंदर एडिशनल डेप्रिसिएशन का अमाउंट भी शामिल है। किस ईयर का? प्रीवियस ईयर 2019-20 या पुराने किसी साल का। ठीक है, अगर अब नई बात शुरू हो रही है कि अगर अब वो 115 BSC में चला जाता है, प्रीवियस ईयर 2021 में अगर वो अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम ऑप्ट कर लेता है, तो वो जो पड़ा था बैलेंस एडिशनल डिप्रिसिएशन का अनएब्जॉर्ब्ड अमाउंट, उसका क्या होगा? तो अमाउंट एट्रीब्यूटेबल टू एडिशनल डिप्रिसिएशन ऑफ अर्लियर ईयर्स रिमेनिंग अनएब्जॉर्ब्ड जो पड़ा था एज ऑन 1 अप्रैल 2020 शेल नॉट बी अलाउड, उसका सेट ऑफ नहीं मिलेगा, वो हम पहले ही बात कर चुके थे, करंट ईयर इनकम से उसका सेट ऑफ नहीं मिलेगा। ठीक है, सेट ऑफ तो नहीं मिला, लेकिन उसके रेलेवेंट ब्लॉक की जो WDV है उसे वो ऐड कर दिया जाएगा। खास बात, देयरफॉर WDV ऑफ ब्लॉक एस ऑन 1 अप्रैल 2020 शेल बी इंक्रीज्ड बाय द अमाउंट नॉट अलाउड टू बी सेट ऑफ। अब इजी लैंग्वेज में बोले वो जो एडिशनल डेप्रिसिएशन का पिछले साल से कैरी फॉरवर्ड होके आया अनएब्जॉर्ब्ड, ठीक है, वो उसका सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड अलाउड नहीं है, बट वो हम उस एसेट के रेलेवेंट ब्लॉक की WDV में ऐड कर देंगे। ठीक है, WDV को इंक्रीज कर देंगे, किससे? जो वो अनएब्जॉर्ब्ड एडिशनल डेप्रिसिएशन जिसका सेट ऑफ नहीं मिला वो हम ओपनिंग WDV में ऐड कर देंगे। क्लियर, बात समझ आ गई? चलिए अब बात करते हैं AMT, आपको ध्यान है, अल्टरनेटिव नहीं, अल्टरनेट मिनिमम टैक्स AMT, ये अलग बात है, अलग प्रोविजन है, AMT के प्रोविजंस सेक्शन 115 JC में दे रखे हैं, अल्टरनेट मिनिमम टैक्स। देखिए अल्टरनेट मिनिमम टैक्स अलग बात है,
और अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम अलग बात है। अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम का सेक्शन क्या है, 115 BAC, जबकि अल्टरनेट मिनिमम टैक्स AMT का सेक्शन है 115 JC, अलग अलग है ना। तो अगर SSC अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम ऑप्ट करेगा तो उस पर AMT के प्रोविजंस नहीं लगेंगे, AMT नहीं लगेगा। अच्छा, उसके AMT की क्रेडिट पड़ी थी, ठीक है, अर्लियर ईयर की, वो भी एडजस्ट नहीं होगी। वो जो टैक्स लाइबिलिटी कंप्यूट करेगा ना 115 BAC के हिसाब से, अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम के हिसाब से जो टैक्स लाइबिलिटी आएगी ना, उसमें वो AMT क्रेडिट एडजस्ट नहीं होगी। क्यों? अरे AMT के प्रोविजंस उस पर अप्लीकेबल नहीं होंगे इसलिए, ठीक है। तो अगर SSC अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम ऑप्ट करता है 115 BAC, तो उस पर AMT के प्रोविजंस अप्लीकेबल नहीं होंगे सेक्शन 115 JC वाले, ठीक है। मतलब 115 BAC क्लेम करेगा तो 115 JC नहीं लगेगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, अगर SSC अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम ऑप्ट करना चाह रहा है तो उसे कब तक ऑप्ट करना होगा, टाइम लिमिट क्या होगी, ये ऑप्शन एक्सरसाइज करने की टाइम लिमिट क्या है, उसके बारे में बात हो रखी है सेक्शन 115 BAC के सब सेक्शन 5 में, कि ये अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम का ऑप्शन कब तक ऑप्ट करना होगा, ITR फाइलिंग की ड्यू डेट तक, ITR फाइलिंग की ड्यू डेट तक क्लेम करना होगा अगर SSC अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम ऑप्ट करना चाहता है। तो ये ऑप्शन एक्सरसाइज करना होगा ITR फाइलिंग की ड्यू डेट जो सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 में दे रखी है। अब यहां दो बातें हैं, अगर SSC के PGBP हेड की इनकम नहीं है, इफ द SSC डज नॉट हैव इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, उसके PGBP हेड की इनकम है नहीं, तो ये ऑप्शन अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम का उसे एक्सरसाइज करना होगा अलोंग विद द रिटर्न ऑफ इनकम एवरी प्रीवियस ईयर में, हर साल। मतलब इस साल उसकी इच्छा है अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम की ऑप्ट कर ले, अगले साल उसकी इच्छा नहीं है अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम की तो वो ऑप्ट ना करे, ऐसा पॉसिबल है। लेकिन ये तभी जब उसके PGBP हेड नहीं है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मिस्टर एक्स इंडिविजुअल है और डज नॉट हैव एनी इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, असेसमेंट ईयर 21-22 में उसके PGBP इनकम नहीं है, ठीक है, और वो ऑप्शन एक्सरसाइज कर रहा है अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम का असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए, कर सकता है क्या? यस, लेकिन ये सिर्फ इसी साल के लिए वैलिड रहेगा, अगले असेसमेंट ईयर में अगर उसके पास ऑप्शन है, वो अगले असेसमेंट ईयर में वो अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम में जाए नहीं जाए उसकी इच्छा, लेकिन नेक्स्ट असेसमेंट ईयर में वो अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम में जाना चाहता है तो नेक्स्ट असेसमेंट ईयर के ITR फाइलिंग की ड्यू डेट तक उसको ये ऑप्शन एक्सरसाइज करना होगा। मतलब जिनके PGBP इनकम नहीं है उनके लिए हर साल ऑप्शन खुला है, वो अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम में जाएं नहीं जाएं उनकी इच्छा, एवरी ईयर उनके लिए ऑप्शन खुला है, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर ऑप्शन में जाना चाहते तो ITR फाइलिंग की ड्यू डेट तक ऑप्शन एक्सरसाइज करना होगा। अब एक दूसरी बात, SSC के इनकम है, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, PGBP इनकम है उसके, तो स्पेशल बात, ऑप्शन ये जो बताया गया अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम का एक्सरसाइज कर सकते हैं एनी प्रीवियस ईयर रिलेवेंट टू असेसमेंट ईयर 21-22 और सबसेकेंड ईयर, वो ITR फाइलिंग के ड्यू डेट तक ही एक्सरसाइज करना होगा। अभी तक एक ही बात क्लियर हुई कि ठीक है PGBP इनकम है तो भी ITR फाइलिंग की ड्यू डेट तक ही ऑप्शन एक्सरसाइज करना होगा, ठीक है। खैर, अब आगे पढ़ते हैं,
वंस द एसएससी हैज एक्सरसाइज दिस ऑप्शन फॉर एनी प्रीवियस ईयर इट रिमेन्स वैलिड फॉर सब्सिक्वेंट ईयर्स ऑल्सो. मतलब एक साल एसएससी अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम ऑप्ट कर लेगा तो सबसेक्वेंट ईयर्स के लिए भी उसके लिए ये अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम उसके साथ चिपक जाएगी. उसको सबसेक्वेंट ईयर्स में भी ये अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम ऑप्ट करनी पड़ेगी, फॉलो करनी पड़ेगी. मतलब एक साल उसने देखा कि हाँ अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम अच्छी है तो उसने ऑप्ट कर ली. अब सबसेक्वेंट ईयर्स में भी उसको अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम के हिसाब से ही चलना पड़ेगा. ये किसके लिए? अगर एसएससी के पीजीबीपी इनकम है, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, ठीक है. लेकिन अब एक एसएससी है जिसने एक साल अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम ऑप्ट की, सबसेक्वेंट ईयर में फिर उसके लिए अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम के हिसाब से ही चलना है, ठीक है. तो अब उसके मन में आ रहा है नहीं नहीं अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम मेरे लिए अच्छी नहीं है, मैं ये स्कीम से बाहर निकलना चाहता हूँ, मैं इस रेजिम से बाहर निकलना चाहता हूँ. तो इन जनरल तो सबसेक्वेंट ईयर्स में भी उसको अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम ही फॉलो करनी पड़ेगी. लेकिन गवर्नमेंट सिर्फ एक बार मौका देगी कि यस अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम आप छोड़ना चाहते हो सबसेक्वेंट ईयर्स में, छोड़ दो आपकी इच्छा, लेकिन सिर्फ एक बार. तो देखिए, However, this option was exercised for any previous year. एक previous year के लिए आप alternative taxation regime में चले गए. अब subsequent years में आप ये बाहर निकल सकते हो. Can be withdrawn only once. सिर्फ एक बार. For a previous year other than the year in which option is exercised. एक साल में opt कर ली थी, subsequent year में निकलना चाहते हैं, सिर्फ एक बार निकल सकते हैं, ठीक है. एंड देर आफ्टर, लेकिन उसके बाद क्या, वो निकल गया अल्टरनेटिव टैक्स सबसेक्वेंट ईयर में, उसने अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम से निकल गया वो. उसके बाद द एसएससी शैल नेवर बी एलिजिबल टू एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑफ अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम. वो अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम से सबसेक्वेंट ईयर में निकल गया, उसके अगले साल फिर वो अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम में नहीं आ सकता. तो ढंग से समझना, बिजनेस प्रोफेशन इनकम है उसके लिए बात हो रही है कि एक साल अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम ऑप्ट कर ली, सबसेक्वेंट ईयर्स के लिए भी अप्लीकेबल हो जाएगी इन जनरल, लेकिन इससे एक बार बाहर निकल सकते हैं. लेकिन निकल गए बाहर तो उसके उस तब क्या होगा, निकल गए बाहर फिर उसके नेक्स्ट ईयर में फिर अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम में आने मना है, नहीं आ सकते, समझे. लेकिन एक एक्सेप्शन फिर है. व्हेन एसएससी सीजेस टू हैव इनकम फ्रॉम बिजनेस, अब उसके बिजनेस इनकम प्रोफेशन इनकम ही नहीं रही तो फिर उसके लिए ऑप्शन खुल गया अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम, उसके लिए एवरी ईयर अवेलेबल हो गई, ठीक है. तो ये लफड़ा सिर्फ और सिर्फ उन्हीं इंडिविजुअल एचएफ्स के लिए है जिनके इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन है. जिनके नहीं हैं उनके लिए तो हर साल खाता खुला है कि एक साल अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम ऑप्ट की, दूसरे साल नहीं की, ठीक है. अब इसी बात को हम थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करते हैं. इन अदर वर्ड्स, इफ द एसएससी ऑप्ट्स फॉर दिस सेक्शन ही इज बाउंड बाय दिस सेक्शन फॉर द लाइफ टाइम. इन जनरल जनरल बात हो रही है कि एक बार उसने अल्टरनेटिव टैक्सेशन ये सेक्शन ऑप्ट कर लिया तो लाइफ टाइम तक वो बाउंड है, इस सेक्शन के हिसाब से ही चलना पड़ेगा. लेकिन द एसएससी कैन ऑप्ट आउट ऑफ द सेक्शन, वो बाहर निकल सकता है ओनली वंस, ओनली वंस, वो एक बार निकल सकता है. बट इफ ही ऑप्ट्स आउट देन ही कैन नॉट ऑप्ट फॉर दिस सेक्शन अगेन फॉर रिमेनिंग लाइफ टाइम. रिमेनिंग लाइफ टाइम के लिए वो दोबारा इस सेक्शन में नहीं आ सकता, ठीक है. दस द एसएससी हैज बीन गिवन ओनली वन अपॉर्चुनिटी टू ऑप्ट आउट इन लाइफ टाइम. एसएससी को अपने पूरे लाइफ टाइम में
सिर्फ एक बार ही सेक्शन से निकलने की अपॉर्चुनिटी है, बट इन दैट केस एसएससी विल ऑप्ट आउट फॉर लाइफ टाइम। एक बार निकलेगा ना तो सबसेक्वेंट ईयर्स के लिए भी निकला हुआ माना जाएगा, दोबारा वो सेक्शन में नहीं घुस सकता, ठीक है। लेकिन एक्सेप्शन, हाउ एवर इफ एसएससी सीजेस टू हैव इनकम, बिजनेस और प्रोफेशन की इनकम नहीं है उसकी, तो वो उसको फिर लिबर्टी मिल गई कि वो इस सेक्शन में ऑप्ट आउट करे, ऑप्ट इन करे। एवरी ईयर उसके लिए फिर ऑप्शन खुल गया, क्योंकि उसके पास इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन नहीं है। अब क्लियर, चलिए अब आगे बात करें और आगे बात करते हैं। कॉन्सिक्वेंसेस फॉर फेलियर टू सेटिस्फाई द कंडीशंस 115 बी ए सी सबसेक्शन 2 में जो कंडीशंस दे रखी थी वो एसएससी सेटिस्फाई नहीं कर पाया, तो ये बात दे रखी है सेक्शन 115 बी ए सी का सबसेक्शन 2, उसमें फर्स्ट प्रोविजो और सेकंड प्रोविजो में। अगर एसएससी के इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन नहीं है, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं की उसने किसी साल में, तो ऑप्शन नहीं मिलेगा, उसको इनवैलिड हो जाएगा उस ईयर के रेस्पेक्ट में, सिर्फ उसी ईयर के रेस्पेक्ट में ऑप्शन ही इनवैलिड हो जाएगा अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम का। और फिर इनकम टैक्स एक्ट के अदर प्रोविजंस ऐसे काम आएंगे जैसे उसने अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम का ऑप्शन एक्सरसाइज ही नहीं किया था उस साल के लिए, ठीक है। तो उस साल के लिए वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो उसको उस साल अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम अलाउ नहीं होगी, वेरी सिंपल। लेकिन अगर एसएससी के इनकम है फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन तो क्या, ऑन फेलियर टू सेटिस्फाई द कंडीशंस इन एनी ईयर उसका ये ऑप्शन इनवैलिड हो जाएगा सिर्फ उसी साल के लिए। और फिर इनकम टैक्स एक्ट के प्रोविजंस वैसे काम आएंगे उस साल के लिए जैसे उसने ऑप्शन ही एक्सरसाइज नहीं किया। लेकिन अब एक अलग बात, इफ ऑप्शन इज एक्सरसाइज फॉर अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम फॉर एनी ईयर, एक साल के लिए उसने अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम का ऑप्शन एक्सरसाइज कर लिया, फिर सबसेक्वेंट ईयर में वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर पाया। एक साल तो उसने अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम ऑप्ट कर ली थी, फिर सबसेक्वेंट ईयर में वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करा पा रहा है तो सबसेक्वेंट ईयर्स के लिए ये ऑप्शन इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है। फिर अदर प्रोविजंस काम आएंगे और ये माना जाएगा कि ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं किया गया है सबसेक्वेंट ईयर्स के लिए भी, ठीक। अब बात करते हैं, एक एम्प्लॉई है जॉब करता है, अरे एम्प्लॉयर फिर उसका टीडीएस काटेगा ना, तो फिर कैसे एम्प्लॉयर कैसे टीडीएस काटे, नॉर्मल टैक्सेशन रेजिम की स्लैब रेट के हिसाब से टीडीएस काटे एम्प्लॉयर या फिर अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम के हिसाब से टीडीएस काटे एम्प्लॉयर की क्या लायबिलिटी होगी, उसके लिए एक सीबीडीटी ने सर्कुलर इश्यू किया, ठीक है, 13 अप्रैल 2020 को, ऑप्शन बाय एन एम्प्लॉई फॉर अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम। एक एम्प्लॉई है जिसके इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन नहीं है, वो अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम ऑप्ट कर सकता है, कैसे, बाय इंटीमेटिंग दिस टू द एम्प्लॉयर, अपने एम्प्लॉयर को इंटीमेट करे कि मैं अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम ऑप्ट करना चाहता हूं, बस उसे ईच ईयर ये इंटीमेशन देनी होगी, ईच ईयर हर साल बताना होगा कि मैं अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम ऑप्ट करना चाहता हूं या नहीं। अपॉन सच इंटीमेशन, अगर इंटीमेट कर दिया उसने कि मैं ऑप्ट कर रहा हूं अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम, फिर एम्प्लॉयर उसका टीडीएस अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम की टैक्स रेट्स के हिसाब से ही कंप्यूट करेगा और टीडीएस उसके हिसाब से ही डिडक्ट करेगा, जो अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम के अंदर टैक्स रेट दे रखी है उसके हिसाब से ही एम्प्लॉयर टीडीएस काटेगा सेक्शन 192 में, ठीक है। फिर
सी पॉइंट द अबो इंटीमेशन सिर्फ टीडीएस डिडक्शन के लिए है, और एक बार सबमिट कर दी तो फिर मॉडिफिकेशन अलाउ नहीं है, कैन नॉट बी मॉडिफाइड ड्यूरिंग दैट ईयर, मॉडिफिकेशन अलाउ नहीं है। एक बार इंटीमेशन दे दी कि मैं अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम ऑप्ट कर रहा हूँ, फिर उस इंटीमेशन के अंदर कोई भी चेंज पॉसिबल नहीं है, समझे बात। चलिए, लेकिन लेकिन एक खास बात, एम्प्लॉयर को इंटीमेशन देना, एम्प्लॉयर को इंटीमेशन देना, इंटीमेशन टू द एम्प्लॉयर डज नॉट अमाउंट टू एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शन। एम्प्लॉयर को इंटीमेशन दी, यस अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम के हिसाब से मैं चलना चाहूंगा, लेकिन ये ऑप्शन एक्सरसाइज करना नहीं माना जाएगा। खास बात, इसका मतलब कंसर्न्ड एम्प्लॉई इज रिक्वायर्ड टू एक्सरसाइज ऑप्शन एट द टाइम ऑफ फाइलिंग रिटर्न। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ, ये ऑप्शन जो दिया कुड बी डिफरेंट फ्रॉम द इंटीमेशन मेड टू द एम्प्लॉयर। मतलब एम्प्लॉयर को इंटीमेट अलग किया, ठीक है, जैसे ऐसा हो सकता है क्या कि एम्प्लॉयर को तो बोला मैं अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम ऑप्ट करना चाहता हूं, फिर जब एम्प्लॉई रिटर्न फाइल करने बैठा तो वो नॉर्मल टैक्सेशन रेजिम ऑप्ट करना चाह रहा है, कर सकता है कि नहीं? यस, अलाउ है, कर सकता है। एम्प्लॉयर को तो बोल दिया अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम के हिसाब से मेरा टीडीएस काटो, और साल खत्म होने के बाद रिटर्न फाइल करते वक्त एम्प्लॉई का दिमाग चेंज हो गया और उसने कहा नहीं नहीं मेरे को तो नॉर्मल टैक्सेशन रेजिम के हिसाब से चलना है, तो क्या पॉसिबल है? यस, पॉसिबल है। फिर पॉइंट नंबर ई, इफ अबो इंटीमेशन इज नॉट मेड बाय द एम्प्लॉई, अगर एम्प्लॉई ने अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम के बारे में इंटीमेशन दी ही नहीं है, तो फिर एम्प्लॉयर नॉर्मल टैक्सेशन रेजिम के हिसाब से टीडीएस काटेगा। एम्प्लॉय ने बताया ही नहीं कि अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम मैं ऑप्ट कर रहा हूं, तो फिर एम्प्लॉयर नॉर्मल टैक्सेशन रेजिम के हिसाब से ही टीडीएस डिडक्ट करेगा, समझे। अब एक ऐसा एम्प्लॉय जिसके इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन है, उसकी बात हो रही है, एक ऐसा एम्प्लॉय जिसके बिजनेस और प्रोफेशन की भी इनकम है, वो भी इंटीमेट करे एम्प्लॉयर को ये बोला, लेकिन हाउ एवर इंटीमेशन टू द एम्प्लॉयर इन हिस केस फॉर सबसेक्वेंट ईयर्स मस्ट नॉट डिविएट फ्रॉम ऑप्शन ऑफ अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम। मतलब अगर एक ऐसा एम्प्लॉय जिसके पीजीबीपी इनकम है, उसने बोल दिया मेरे अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम होगी, तो वो सबसेक्वेंट ईयर्स में अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम नहीं छोड़ेगा वंस एक्सरसाइज्ड इन ए प्रीवियस ईयर। ठीक है, तो जिनके पीजीबीपी इनकम है वो एम्प्लॉय हैं, तो उन्होंने अपने एम्प्लॉयर को इंटीमेट कर दिया, तो सबसेक्वेंट ईयर्स में भी उनको अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम के हिसाब से ही इंटीमेशन देनी होगी। क्लियर, तो ये थी आपकी अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम, सेक्शन है 115 BAC। चलिए अब आगे बात करते हैं। मिस्टर रामा, जिसकी एज एग्जाम्पल फर्स्ट करने जा रहे हैं हम, टोटल 3 एग्जाम्पल करेंगे इस पर। मिस्टर रामा जो बिजनेसमैन है, उसकी डिटेल दे रखी है, बिजनेस की इनकम है 14 लाख और सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट है 21,000 और वो एनुअल कंट्रीब्यूट कर रहा है पीपीएफ में 1.5 लाख। ठीक है, तो मिस्टर रामा जानना चाहता है कि वो अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए ऑप्ट करे कि नहीं। क्लियर, अब हम दोनों ऑप्शंस के हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे, नॉर्मल टैक्सेशन रेजिम के हिसाब से भी टैक्स कैलकुलेट करेंगे और अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम के हिसाब से भी हम टोटल इनकम निकालेंगे और टैक्स निकालेंगे।
फिर जहाँ पर भी लोअर टैक्स लाइबिलिटी होगी वो ऑप्ट कर लेंगे, ठीक है। तो दोनों ऑप्शन में बिजनेस इनकम 14 लाख, अदर सोर्सेस एड में सिर्फ सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट आया 21,000, फिर GTI आ गई 14 लाख 21,000 दोनों ऑप्शंस में। लेकिन अगर SEC नॉर्मल टैक्सेशन रेजिम फॉलो करता है तो उसको ATC PPF के कंट्रीब्यूशन का 1.5 लाख का डिडक्शन मिल जाएगा और सेविंग अकाउंट के इंटरेस्ट पर ATTTA का डिडक्शन 10,000 तक ही मिलता है, अलाउ हो जाएगा। लेकिन अगर SEC अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम फॉलो करेगा तो उसके क्या होगा, ATC और ATTTA चैप्टर 6 के डिडक्शंस उसके क्या हो जाएंगे, ब्लॉक, अलाउ नहीं होंगे, समझे बात। चलो तो उसकी टोटल इनकम आ गई, उसकी टोटल इनकम आ गई। अब इस पर टैक्स निकालो, बेसिक टैक्स निकालो, बेसिक टैक्स निकालो स्लैब रेट के हिसाब से नॉर्मल टैक्सेशन रेजिम में और अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम में। अब कुछ स्टूडेंट्स कह सकते हैं सर हमको तो नहीं आता टैक्स निकालना भी नहीं आता, ठीक है, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, बट चलो खैर हम टैक्स कैलकुलेट करना भी सीख लेते हैं नॉर्मल टैक्सेशन रेजिम में और अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम में टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा, ये कैलकुलेशंस कैसे हुई हैं टैक्स की वो हम समझते हैं। देखिए आपकी टोटल इनकम नॉर्मल टैक्सेशन रेजिम में कितनी है, 12,61,000, और अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम में कितनी है, 14,21,000, ठीक है ना। तो इस पर टैक्स निकालना है तो इस पर टैक्स निकालते हैं। नॉर्मल टैक्सेशन रेजिम में 2.5 लाख तक 0%, 2.5 लाख से 5 लाख की इनकम, मतलब 2.5 लाख पर 5%, 12,500, 5 लाख से 10 लाख के बीच की इनकम पर 20%, 1 लाख हुआ टैक्स, और 10 लाख से ऊपर जो इनकम गई कितनी है इनकम, 12,61,000, तो उस पर 30%, ये हुआ 78,300, टोटल ये आ गया 1,90,800। तो नॉर्मल टैक्सेशन रेजिम का बेसिक टैक्स इस तरीके से आया। लेकिन अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम में टैक्स कैसे निकालेंगे, 2.5 लाख तक 0%, 2.5 से 5% 12,500, 5 लाख से 7.5 लाख तक की इनकम पर 10%, 25,000, 7.5 से 10 लाख की इनकम पर 15%, 37,500, 10 लाख से 12.5 लाख तक की इनकम पर 20%, 50,000, और 12.5 लाख से ऊपर इनकम कितनी है नॉर्मल अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम में, इनकम कितनी है, 14,21,000 थी, तो 14,21,000 तक की इनकम, 12.5 लाख से ऊपर जो इनकम गई कहाँ तक, 14,21,000 तक, उस पर 25%, तो 42,750, और ये आपका बेसिक टैक्स हुआ 1,67,750, ठीक है। तो देखो याद कैसे करना, बस सिंपल है, अल्टरनेटिव टैक्सेशन स्कीम की टैक्स रेट्स भी याद करना सिंपल ही है, टोटल इनकम 2.5-2.5 लाख से बढ़ाते जाओ और टैक्स रेट 5-5% से बढ़ाते जाओ, इनकम 2.5-2.5 लाख से बढ़ाते जाओ और टैक्स रेट 5-5% से बढ़ाते जाओ। बस एक बात ध्यान रखनी है, क्या नॉर्मल टैक्सेशन रेजिम में तो इनकम जब टोटल 10 लाख से एक्सीड करती है तो हाईएस्ट स्लैब रेट 30% लगती है, लेकिन अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम में 15 लाख तक बेनिफिट दिया है, 15 लाख तक टोटल, 15 लाख को टोटल इनकम एक्सीड करेगी तो ही हाईएस्ट स्लैब रेट 30% लगेगी, क्लियर। चलो तो ये टैक्स कैलकुलेशंस हो गई आपकी, चलो अब बात करते हैं आगे। तो ये टैक्स कैलकुलेट
करना हमने देख लिया। अब 87A की रिबेट बेसिक टैक्स में से मिलती है, मिलेगी क्या? यहाँ नहीं मिलेगी, क्योंकि टोटल इनकम 5 लाख से ज़्यादा हो गई तो नहीं मिलती है। और फिर बेसिक टैक्स आफ्टर रिबेट वो सेम ही आ गया, और सरचार्ज नहीं लगेगा क्योंकि टोटल इनकम 50 लाख तक ही है, तो सरचार्ज लगेगा नहीं, निल लगेगा। तो बेसिक टैक्स प्लस सरचार्ज दिया गया, 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जोड़ दिया, ठीक है ना। तो टोटल टैक्स आ गया और उसको राउंड ऑफ कर दिया टू द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ ₹10। मतलब अगर लास्ट डिजिट 5 रुपये या 5 रुपये से ज़्यादा है तो 10 रुपये तक कर दो उसको, और अगर लास्ट डिजिट 5 रुपये से कम है तो उसको उड़ा दो। समझे बात? तो टैक्स किस ऑप्शन में कम आ रहा है बताओ? अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम में कम आ रहा है, तो मिस्टर रामा को लोअर टैक्स लाइबिलिटी आ रही है अंडर अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम, तो उसको ये ऑप्शन एक्सरसाइज करना चाहिए, ठीक है, बेनिफिशियल है उसके लिए। लेकिन एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा, मिस्टर रामा के तो बिजनेस इनकम है, अगर उसने ये ऑप्शन एक बार एक्सरसाइज किया तो सबसेक्वेंट ईयर्स के लिए भी नॉर्मली ये सेक्शन लग जाएगा। हाँ, गवर्नमेंट ने एक बार बेनिफिट दिया है कि वो सेक्शन से निकल सकता है, लेकिन फिर दोबारा इस सेक्शन में आना चाहे तो नहीं आ पाएगा, उस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। चलो अब एग्जाम्पल नंबर टू, मिस्टर कृष्णा एज 40 ईयर्स, ये भी बिजनेसमैन है, बिजनेस इनकम एज पर P&L अकाउंट दे रखा है आपको कितना, 71,88,000। डेबिट साइड दे रखा है P&L अकाउंट का, इंक्लूड्स द फॉलोइंग। देखिए, आपको नेट प्रॉफिट तो शुरू में ही दे दिया कि 71,88,000 है, फिर बोला डेबिट साइड के अंदर ये डेबिट किए हुए हमारे, क्या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च रिलेटेड टू बिजनेस ऑफ कृष्णा मिस्टर कृष्णा फॉर क्लेमिंग, जिसका डिडक्शन मिलता है। हाँ, तो ये तो अलाउ है, वो कंट्रीब्यूशन डोनेशन मना है अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम में, ठीक है, और कंट्रीब्यूशन टू नेशनल लेबोरेटरी 40,000, जिसका डिडक्शन वैसे मिलता है 35 2AA में, और उसने कैश पेमेंट किया एक बिल का 35,000। आपको ध्यान है, एक सेक्शन है सेक्शन 40A सबसेक्शन 3 कि 10,000 से एक्सीडिंग अगर पेमेंट करना है तो अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे DD और किसी अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड से करो, नहीं करोगे तो वो एक्सपेंडिचर डिसअलाउड हो जाएगा, याद है। चलिए, तो हम सॉल्यूशन शुरू करते हैं। आप नॉर्मल टैक्सेशन रेजिम के हिसाब से भी टैक्स कैलकुलेशन करोगे और अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम के हिसाब से भी टैक्स कैलकुलेट करोगे। नेट प्रॉफिट उठा लो एज पर P&L अकाउंट 71,88,000। अब हमने पढ़ा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वैसे तो अलाउ है, P&L में डेबिट हो रखा है, बट एक बार एडबैक कर दो एडबैक, और वो कंट्रीब्यूशन दिया नेशनल लेबोरेटरी को, वो भी एक बार तो एडबैक कर दो, एक बार कर दो, ठीक है, फिर बाद में लेंगे डिडक्शन, अगर अलाउ होगा तो फिर लेस कर देंगे, ठीक है। और कैश पेमेंट वो 10,000 से एक्सीडिंग है डिसअलाउड हो जाएगा, वो डिसअलाउड हो गया, ठीक है। इतने ही अभी तक हमने ऊपर एडजस्टमेंट पढ़े। अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन के क्रेडिट साइड की, बात दे रखी है कि क्रेडिट साइड में कुछ क्रेडिट हो रखा है। डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनीज 95,000, वैसे टैक्सेबल होता है बट P&L अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, तो ये बिजनेस इनकम थोड़ा है, ये तो अदर सोर्सेस हेड में जाएगा, ठीक है, तो यहाँ से हटाओ। और रिफंड ऑफ इनकम टैक्स, ये तो इनकम ही नहीं है विदाउट इंटरेस्ट, इंटरेस्ट होता तो फिर वो इंटरेस्ट टैक्सेबल होता, लेकिन ये तो
इनकम टैक्स का रिफंड है, इट इज़ नॉट एन इनकम एट ऑल। तो ये दो आइटम P&L अकाउंट में क्रेडिट कर दिए, तो इनको बिजनेस इनकम से हटाओ, लेस करो, लेस करो। तो देखो, लेस करो आप डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनीज, लेस कर दो, और इनकम टैक्स रिफंड 2000 ये भी लेस कर दो। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखो, मिस्टर कृष्णा इज एंटाइटल टू क्लेम फॉलोइंग डिडक्शंस विच आर नॉट डेबिटेड टू P&L अकाउंट। ध्यान से सुनो, ये खर्चे P&L अकाउंट में डेबिट नहीं किए गए हैं, जो आगे हम बात करने वाले हैं अंडर नॉर्मल टैक्सेशन रिजिम फॉर द करंट ईयर। एडिशनल डेप्रिसिएशन अभी तक P&L में डेबिट नहीं हुआ है। अरे तो नॉर्मल टैक्सेशन रेजिम फॉलो करता तो उसको एडिशनल डेप्रिसिएशन नॉर्मल टैक्सेशन रेजिम में तो अलाउ होता है ना। हाँ, होता है। तो लेस कराओ नॉर्मल, आपका ये एडिशनल डेप्रिसिएशन लेस कराओ अगर नॉर्मल टैक्सेशन रेजिम है तो। लेकिन अगर SSC अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम फॉलो करेगा तो क्या होगा, ये एडिशनल डेप्रिसिएशन ब्लॉक हो जाएगा, क्लेम करना अलाउ नहीं है। समझे, टोटल कर लो। ठीक है, टोटल हो गई। अब क्वेश्चन में आगे बात करते हैं। डिडक्शन ATC DE EEB 170,000 है और PM प्राइम मिनिस्टर नेशनल लीफ फंड में डोनेशन दिया 20,000, ATG में मिलेगा डिडक्शन और ATJJA का भी डिडक्शन है। ठीक है, तो ये डिडक्शंस की डिटेल दे रखी है, चैप्टर 6A के डिडक्शंस की डिटेल है। आपको क्या बोला, मिस्टर कृष्णा को बताओ कि वो अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम ऑप्ट करे कि नहीं। ठीक है, चलो तो अब हम बात करते। देखो, ये अभी तो हमने एक बार ऐड कर दिए, ये खर्चा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये अलाउ है, यस। अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम में भी अलाउ है, यस। लेकिन कंट्रीब्यूशन टू नेशनल लेबोरेटरी, ये नॉर्मल रेजिम में तो अलाउ है लेकिन अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम में तो ये ब्लॉक। ठीक है, तो इसका एडजस्टमेंट हम आगे करेंगे। देखो, ये हमने ऊपर एडबैक कर दिया था, अलाउ है तो लेस कराओ, ये तो अलाउ है, लेकिन कंट्रीब्यूशन टू नेशनल लेबोरेटरी नेशनल नॉर्मल टैक्सेशन रेजिम में तो अलाउ है लेकिन अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम में ब्लॉक। ठीक है, ये बिजनेस इनकम आ गई। अब डिविडेंड इनकम ऊपर हटाई थी क्योंकि वो बिजनेस P&L अकाउंट में क्रेडिट कर दी थी, तो अदर सोर्सेज हेड में तो रिपोर्ट होगी ना, यस। तो यस, अदर सोर्सेज हेड की इनकम डिविडेंड इनकम आ जाएगी। अब GTI आ गई, GTI आ गई उसकी, राइट। और अब डिडक्शंस लेस कराओ, ATC DE CC और ATG डोनेशन दिया, ATJJA। देखो, वो नॉर्मल टैक्सेशन रेजिम फॉलो करता है तो ये तीनों ही अलाउ हैं, लेकिन अगर वो अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम ऑप्ट करता है तो सिर्फ ATJJA वाला अलाउ हो जाएगा, बाकी ब्लॉक। ठीक है, टोटल इनकम आ गई, टोटल इनकम आ गई कितनी है, टोटल इनकम आ गई, टोटल इनकम आ गई, उस पर आप बेसिक टैक्स कैलकुलेट करो। ठीक है, मैं कैलकुलेट करके बताऊं, देखो। तो ये बेसिक टैक्स कैलकुलेट कैसे हुआ उस पर हम बात करने वाले हैं डिटेल में बात करने वाले हैं। देखिए, आपके नॉर्मल टैक्सेशन रेजिम है तो 2.5 लाख तक 0%, 2.5 लाख से 5 लाख की इनकम पर 5%, 12,500 हुआ, 5 लाख से 10 लाख की इनकम पर 20%, 1 लाख हुआ, और एक
दस लाख से आपके टोटल इनकम कितनी है? 68,91,000। उस पर इसके बीच की इनकम पर 30% टैक्स आ गया, टोटल टैक्स आ गया 18,79,800। लेकिन अगर किसी अल्टरनेटिव टैक्सेशन रिजिम ऑप्ट करेगा तो उसकी टोटल इनकम कितनी है? 71,81,000। ठीक है ना, तो उसकी टोटल इनकम कितनी है? 71,81,000 है, तो उस पर टैक्स निकालो। 71,81,000 है, उस पर निकालना है टैक्स। पहले 2,50,000 तक 0%, 2.5 से 5 उस पर 5%, 5 से 7.5 इनकम को 2,50,000 से बढ़ाना और टैक्स रेट को 5-5% से बढ़ाना, ठीक है ना, तो 10% और 7.5 लाख से 10 लाख के बीच की इनकम पर 15% और 10 लाख से 12.5 लाख के बीच की इनकम पर 20% और 12.5 लाख से 15 लाख तक की बीच की इनकम पर 25%, ठीक है, और 15 लाख से ऊपर कितनी इनकम? 71,81,000, ठीक है, 15 लाख, ठीक है, 30% ये टैक्स आ गया आपका, ठीक है। तो इस तरीके से कैलकुलेशन करनी है, राइट। चलो, तो इस तरीके से आपका बेसिक टैक्स कैलकुलेट हुआ। 87 एक रिबेट नहीं मिलेगी क्योंकि उसकी टोटल इनकम 5 लाख से ज़्यादा हो रही है, तो अब उसका बेसिक टैक्स आ गया आफ्टर टैक्स रिबेट। सरचार्ज लगेगा क्या? यस। कितना? उसकी टोटल इनकम 50 लाख से ज़्यादा है लेकिन 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं है, तो 10% लगता है, 10% जोड़ दीजिए। तो आपका बेसिक टैक्स प्लस सरचार्ज आ गया और उसमें 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जोड़ दीजिए, टैक्स लायबिलिटी आ गई, ठीक है। इसको राउंड ऑफ कर देना आप, मैं भूल गया, आप कर देना टू द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ ₹10। क्लियर? तो अब देखो टैक्स कहाँ कम आ रहा है। ये यहाँ पर तो क्या हो गया, उसका नॉर्मल टैक्सेशन रिजिम में टैक्स कम आ रहा है, तो ठीक है, फिर नॉर्मल टैक्सेशन रिजिम के हिसाब से चले वो, ठीक है, तो उसे अल्टरनेटिव टैक्सेशन रिजिम फॉलो नहीं करनी चाहिए, ठीक है। और अगले साल फिर वो फिर कंप्यूट करे और डिसाइड करे वेदर और नॉट अल्टरनेटिव टैक्सेशन। अब देखो, उस साल तो नॉर्मल टैक्सेशन रिजिम में गया ना, यस, ठीक है, तो अगले साल वो फिर दोबारा दोनों तरीके से टैक्स निकाले और सोचे कि अल्टरनेटिव टैक्सेशन रिजिम में जाना कि नहीं जाना। क्लियर? अब आते हैं हम एग्जाम्पल थ्री की बात करते हैं। मिस्टर गणेश, जिसकी एज 32 इयर्स है, ए लिमिटेड में एम्प्लॉयड है, इनकम और अदर डिटेल दे रखी है। बेसिक सैलरी 40 लाख, HRA मिला 90,000 है, वैसे 60,000 एग्जेम्प्ट हो गया, वैसे 90,000 है। LTC मिला 1,95,000, 1,80,000 एग्जेम्प्ट है, वैसे एम्प्लॉयर NPS में कंट्रीब्यूट कर रहा है बेसिक सैलरी का 12%, बेसिक सैलरी का 12%, 10% अलाउ है वैसे, ठीक है ना, ATCCD में डिडक्शन, 4,80,000 है। बट हाँ, ये एम्प्लॉयर अगर NPS में कंट्रीब्यूशन करता है तो वो एक बार ग्रॉस सैलरी में तो इंक्लूड होता है, तो ये 4,80,000 हम ग्रॉस सैलरी में भी इंक्लूड करेंगे, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। फिर पेमेंट ऑफ प्रोफेशनल टैक्स 2,000, इसका डिडक्शन मिलता है सेक्शन 16 क्लॉज 3 में, वैसे नॉर्मल टैक्सेशन रिजिम के हिसाब से। अब बात करते हैं, हमको तो दोनों तरीके से निकालना पड़ेगा, नॉर्मल टैक्सेशन रिजिम के हिसाब से भी और अल्टरनेटिव टैक्सेशन रिजिम के हिसाब से भी। बेसिक सैलरी लिख दो आप दोनों में 40 लाख, HRA टोटल लिखना पहले 90,000,
ऊपर दे रखा है, अगर नॉर्मल टैक्सेशन रेजिम है तो 60,000 एग्जेम्प्ट हो जाएगा सेक्शन 10(13A) में, लेकिन अगर अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम ऑप्ट करेगा तो ये एग्जेम्प्शन अलाउड नहीं होगा। लिव ट्रेवल कंसेशन 1,95,000 एक बार तो लिख दो, लेकिन अगर नॉर्मल टैक्सेशन रेजिम ऑप्ट करेगा तो इसका एग्जेम्प्शन 1,80,000 लेस हो जाएगा, लेकिन अगर अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम फॉलो करेगा तो ये एग्जेम्प्शन ब्लॉक हो जाएगा। और एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूशन किया है वो ग्रॉस सैलरी में इंक्लूड करना है पूरा 4,80,000, ठीक है, ये इसकी ग्रॉस सैलरी आ गई। अब अगर वो नॉर्मल टैक्सेशन रेजिम फॉलो करेगा तो स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउ हो जाएगा, यस। और प्रोफेशनल टैक्स का पेमेंट किया उसने 2,000 तो उसका भी डिडक्शन मिल जाएगा, लेकिन अगर वो अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम में जाएगा तो उसके ये दोनों डिडक्शन ब्लॉक हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से उसकी इनकम फ्रॉम सैलरी आ गई। हमने अभी तक उसकी सैलरी इनकम कंप्यूट की। अब आगे बात करते हैं हाउस प्रॉपर्टी के बारे में। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है जो कि सेल्फ ऑक्यूपाइड है, उस पर लॉस है 1,05,000 का। प्रॉपर्टी बी है वो लेट आउट है, उस पर इनकम है 60,000 की। और प्रॉपर्टी सी लेट आउट है, उस पर लॉस है 80,000 का। ये हाउस प्रॉपर्टी हेड की डिटेल, तो ठीक है इसका हाउस प्रॉपर्टी हेड की इनकम निकालो। तो देखो अगर वो नॉर्मल टैक्सेशन रेजिम में है तो SOP का लॉस अलाउ हो जाएगा, और जो लेट आउट प्रॉपर्टी थी बी सी उसका आपस में एडजस्ट हो जाएगा, 20,000 ये लॉस भी अलाउ हो जाएगा। लेकिन अगर वो अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम ऑप्ट करता है तो SOP का लॉस इंटरेस्ट की वजह से ही आया होगा, अलाउ नहीं है, और लेट आउट का भी लॉस दूसरी इनकम से सेट ऑफ नहीं हो सकता, करंट ईयर में वो ब्लॉक है। क्लियर? चलिए अब इसकी और इनकम की डिटेल्स पढ़ते हैं। सेविंग बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट मिला उसके माइनर सन को 800 रुपये। क्लब होगा मिस्टर गणेश में? यस, क्लब होगा। माइनर चाइल्ड की इनकम पेरेंट्स में क्लब होती है, तो सेविंग बैंक इंटरेस्ट रिसीव हुआ माइनर डॉटर को भी 2,000। अच्छा, आपको पता है जब माइनर चाइल्ड की इनकम पेरेंट्स में क्लब होती है तो 1,500 रुपये तक का एग्जम्पशन मिलता है, ठीक है। बट अगर SEC अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम ऑप्ट करेगा तो वो 1032 का एग्जम्पशन नहीं मिलेगा 1,500 रुपये तक का, ठीक है। तो चलिए वो भी देखते हैं हम, अदर सोर्सेज साइड में ये इनकम आ जाएंगी, पहले सन की और फिर डॉटर की। बट अगर वो नॉर्मल टैक्सेशन रेजिम ऑप्ट करेगा तो 1,500 तक का एग्जम्पशन मिल जाएगा मैक्सिमम, लेकिन अगर अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम में जाएगा तो 1032 का एग्जम्पशन ब्लॉक हो जाएगा, नहीं मिलेगा, लेस करना अलाउड नहीं है। फिर आते हम सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट मिस्टर गणेश का खुद का 28,000। अदर सोर्सेज साइड में रिपोर्ट कर दो, अदर सोर्सेज साइड में रिपोर्ट कर दो, दोनों रेज्यूम में, दोनों ही रेज्यूम में रिपोर्ट कर दो। क्लियर? फिर देखो और क्या डिटेल दे रखी है। इंटरेस्ट मिला PPF पर पब्लिक प्रोविडेंट फंड 3,55,000, 3,55,000 का इंटरेस्ट मिला। देखो एग्जेम्प्ट होता है PPF का इंटरेस्ट सेक्शन 10(11) में एग्जेम्प्ट होता है, ठीक है। तो अगर नॉर्मल टैक्सेशन रेजिम लेगा तो एग्जेम्प्शन अलाउ हो जाएगा, बट एक खास बात, अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम भी ऑप्ट करेगा ना तो 10(11) का एग्जेम्प्शन अलाउड है, वो ब्लॉक नहीं है, तो अलाउ हो जाएगा। तो एक बार जोड़ो टोटल इनकम में जोड़ दो और फिर एग्जेम्प्शन दोनों ही केस में मिल जाएगा क्योंकि ये ब्लॉक नहीं है।
ब्लॉक्ड एग्जम्पशन नहीं है ये, तो अलग हो जाएगा। इवन अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम में भी एग्जम्पशन मिल जाएगा सेक्शन 10(11) का। फिर उसके माइनर डॉटर के नाम से उसने सुकन्या समृद्धि अकाउंट खुला रखा है, उसका इंटरेस्ट मिला 29,000। ये अदर सोर्सेज हेड में रिपोर्ट करेंगे। फिर ये एग्जेम्प्ट होता है सेक्शन 10(11A) में, ठीक है, और वो 10(11A) ब्लॉक्ड नहीं है। तो ये एक बार ऐड करो, एक बार ऐड करो, फिर लेस भी कर दो। अलाउड है सेक्शन 10(11A) का एग्जेम्पशन। इवन एसएससी अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम फॉलो करेगा ना, तब भी ये एग्जेम्पशन अलाउ होगा, ब्लॉक नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से इसकी ग्रॉस टोटल इनकम आ गई। अब आगे बात करें और क्वेश्चन में क्या डिटेल दी है। डिडक्शंस, डिडक्शंस 80D, EEA, EEB और G, और NPS का कंट्रीब्यूशन गणेश ने जो खुद किया, और PPF का जो कंट्रीब्यूशन उसने खुद किया। और क्या पूछा है, मिस्टर गणेश जानना चाहता है कि वो अल्टरनेटिव टैक्सेशन रिजिम फॉलो करे कि नहीं, ठीक है। तो देखो, कुछ केस में डिडक्शंस अलाउ हैं, कुछ अलाउ नहीं हैं, तो उसकी डिटेल में बात करते हैं, ठीक है। देखो, नॉर्मल टैक्सेशन रेजिम फॉलो करेगा ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बार हम नॉर्मल टैक्सेशन रेजिम के हिसाब से कैलकुलेशंस करते हैं। चलिए वन बाय वन कैलकुलेशंस करते हैं। 80D, C, EEA, EEB और G ये लेस करा दो, अलग हो गए। फिर 80CCD सबसेक्शन 2 एम्प्लॉयर का NPS में कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन NPS में कितना था एक बार देख लो, एक बार देख लो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन कितना था, 4,80,000। लेकिन उसने ये बेसिक सैलरी का 12% तक किया है, 10% जितना ही अलाउ है। और उसके लिए सैलरी कौन सी लेंगे हम, एनपीएस के लिए हम सैलरी लेते हैं बेसिक सैलरी प्लस सीडीए सीडीपी प्लस परसेंटेज कमीशन ऑन सेल। बेस सीडीए सीडीपी है नहीं और परसेंटेज कमीशन ऑन सेल इसको मिला नहीं, तो बेसिक सैलरी ही लेंगे 40,00,000 उसका 10% तक, ठीक है। तो 40,00,000 का 10% 4,00,000, ठीक है। तो देखो, ये एनपीएस का कंट्रीब्यूशन जो एम्प्लॉयड ने किया एक बार ग्रॉस सैलरी में इंक्लूड होगा, यस, और बाद में जीटीआई के बाद लेस कितना होगा, 4,80,000 था लेकिन मैक्सिमम 10% तक ही अलाउ होगा, ठीक है। 40,00,000 का 10% 4,00,000, ठीक है। अब आगे उसने और क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस किए हैं। आपको क्वेश्चन में बोला कि मिस्टर गणेश ने एनपीएस में खुद ने कॉन्ट्रीब्यूशन किया 4,00,000 किया है। देखिए, इसमें से पहला 50,000 तो हम सेक्शन 80CCD के सबसेक्शन 1B में पूरा कवर करा लेंगे। 80CCD के सबसेक्शन 1B में 50,000 तक का हम पूरा कवर करवा लेंगे। 80CCD के सबसेक्शन 1B में पूरा 50,000, 4,00,000 में से 50,000 तो हम 80CCD के सबसेक्शन 1B में क्लेम कर लेंगे। बाकी बचा 3,50,000, वो सबसेक्शन 80CCD के सबसेक्शन 1 में लेना है, ठीक है। और 80C का उसका कंट्रीब्यूशन है PPF का 20,000, और 80CCD का बाकी का 3,50,000। लेकिन एक सेक्शन है 80CCE जो कि ओवरऑल लिमिट बताती है कि सब मिला के 1,50,000 से ज़्यादा नहीं मिलेगी छूट, ठीक है। और उसको 80 TTA का डिडक्शन मिलेगा सेविंग अकाउंट के इंटरेस्ट पर,
ठीक है, 10,000 तक वो लेस हो जाएगा, टोटल इनकम आ गई। लेकिन अगर एसएससी अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम फॉलो करेगा तो 80D ई ई ए ई ई बी जी ये ब्लॉक हो जाएंगे, बस वो 80CCD2 वाला अलाउ है, ठीक है, वो भी सैलरी का 10% जितना, और 80CCD C वगैरह ये सब TTA वगैरह ये सब ब्लॉक हो जाएंगे, ठीक है, अगर अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम में जाता है तो। इस तरीके से टोटल इनकम आ गई, इस पर टैक्स निकालो, इस पर टैक्स निकालो, अब तो निकाल सकते हो, ठीक है कि नहीं, चलिए हम वो भी डिस्कस करते हैं, देखिए वो भी हम डिस्कस करते हैं। इसकी नॉर्मल टैक्सेशन रेजिम में टैक्स कितना बनेगा, पहले 2.5 लाख तक 0%, 2.5 से 5 5%, 12,500, 5 से 10 के बीच में 20%, 1 लाख टैक्स, 10 लाख से ज़्यादा इनकम है लेकिन 34,85,500 इनकम है, 34,85,500 उस पर 30% ये टैक्स आ गया। नॉर्मल टैक्सेशन अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम में उसकी इनकम कितनी आ रही है, 43,95,800, उस पर टैक्स निकाल लो, ये तो आता होगा आपको, इनकम को पाँच, इनकम को 2.5 लाख से बढ़ाओ, टैक्स रेट को 5% से बढ़ाओ, तो ये आपका टैक्स आ गया, ठीक है। चलो अब कैलकुलेशन आ गई आपकी, ये टैक्स आ गया आपका, सरचार्ज ऐड होगा कि नहीं, उसकी टोटल इनकम 50 लाख से ज़्यादा नहीं है, सरचार्ज ऐड नहीं होगा, आपका टैक्स आ गया, 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जोड़ दो, टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी। टैक्स कहाँ कम आ रहा है, टैक्स उसका नॉर्मल टैक्सेशन रेजिम में कम आ रहा है तो बेटर है वो अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम फॉलो ना करे, अगले साल उसके लिए ऑप्शन खुला है कि अगले साल उसको डिसाइड करना है कि वो अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम फॉलो करे कि नहीं, समझ आ गई बात। तो देखो हमने अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम कंप्लीट कर दी और उसके हमने 3 एग्जांपल्स भी कर लिए, तो इस बार एग्जाम में प्रैक्टिकल क्वेश्चन बन सकता है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, एक तो टैक्स रेट्स का और दूसरा कौन कौन से एग्जम्पशंस डिडक्शंस ब्लॉक किए गए हैं अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम में, उसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा, राइट। चलो अब आगे बढ़ते हैं और अमेंडमेंट्स की बात करते हैं। AMT अल्टरनेट मिनिमम टैक्स, ये अलग बात है, ठीक है, इस चैप्टर में छोटे छोटे बीच में अमेंडमेंट हुए हैं, सेक्शन 115JC में एक छोटा सा अमेंडमेंट है कि AMT के प्रोविजन्स नहीं लगेंगे अगर SSC अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम ऑप्ट करता है अंडर सेक्शन 115BAC, अभी हमने पढ़ा, और 115BAD। देखो जैसे इंडिविजुअल HUF के लिए अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम आई है, वैसे ही कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए भी अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम आई है इस बार से सेक्शन 115BAD में, और 115BAD आपके कोर्स में नहीं है, ठीक है। तो अगर SSC अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम ऑप्ट करता है तो उस पर AMT के प्रोविजंस नहीं लगेंगे, ये अमेंडमेंट हुआ सेक्शन 115JC में, ठीक है। फिर 115JD AMT की क्रेडिट में अमेंडमेंट हुआ कि अगर SSC अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम ऑप्ट करता है तो जो उसकी ब्रॉड फॉरवर्ड AMT क्रेडिट थी वो 0 हो जाएगी, इसके लिए सेक्शन 115JD में सबसेक्शन 4 डाला गया, ये तो हम उधर अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम में भी पढ़ के आए थे। एक छोटा सा अमेंडमेंट यहाँ एक और है 115JC में,
देखिए, अगर एएमटी के प्रोविजंस किसी पर्सन पर लगते हैं तो उसको सीए से रिपोर्ट ऑब्टेन करनी पड़ती है फॉर्म नंबर 29C में, और वो रिपोर्ट सीए से ऑब्टेन करनी पड़ती है जिसमें सीए सर्टिफाई करता है कि एडजस्टेड टोटल इनकम सही कंप्यूट हुई है, एएमटी सही कंप्यूट हुआ है, और वो रिपोर्ट अपलोड करानी पड़ती है डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर। और हमने देखा कि सब जगह क्या हुआ है, अमेंडमेंट हुआ है कि ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न से कम एक महीना पहले ये रिपोर्ट फाइल होनी चाहिए। पहले था आईटीआर फाइलिंग की ड्यू डेट तक रिपोर्ट फाइल होनी चाहिए, अब क्या हो गया, आईटीआर फाइलिंग की ड्यू डेट से कम एक महीना पहले रिपोर्ट फाइल होनी चाहिए। ठीक है, ये थे आपके एएमटी चैप्टर के अमेंडमेंट्स। अब बात करते हैं फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम चैप्टर। इसमें एक जगह आईटीआर फाइलिंग की ड्यू डेट चेंज की गई है, जहां पहले 30 सितंबर था वहां 31 अक्टूबर किया गया ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। यह अमेंडमेंट फाइनेंस एक्ट ने किया, बट इफेक्टिव असेसमेंट ईयर 2021 से ही हो गया था। तो तीन केस में कंपनी एसएससी जिनकी ऑडिट होती है, चाहे इनकम टैक्स एक्ट में चाहे किसी और कानून में, या एक यहाँ अमेंडमेंट एक और हुआ है, पहले होता था वर्किंग पार्टनर ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म जिसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स की ऑडिट होती है, उनके वर्किंग पार्टनर्स के लिए लिमिट टाइम लिमिट क्या थी, 30 सितंबर, वो भी क्या हो गई 31 अक्टूबर। साथ ही साथ वर्किंग वर्ड को डिलीट कर दिया गया, इसका मतलब सारे पार्टनर्स के लिए आईटीआर फाइलिंग की ड्यू डेट 31 अक्टूबर हो गई है। ठीक है, और बाकी तो आपको ध्यान है जिन एसएससीज पर ट्रांसफर प्राइसिंग के नॉर्म्स एप्लीकेबल हैं उनको रिपोर्ट देनी होती है 92E, वो देने का टाइम क्या है, उस केस में आईटीआर फाइलिंग की ड्यू डेट 30 नवंबर हो जाती है और रिमेनिंग एसएससीज के लिए 31 जुलाई है। अब सेल्फ एसेसमेंट वाली सेक्शन 140A, एसएससी को अपना सेल्फ एसेसमेंट टैक्स निकालना होता है जब वो रिटर्न फाइल करता है, या सेक्शन 142 या 148 या 153 का नोटिस आता है तो उस नोटिस के रेस्पॉन्स में उसे अपना सेल्फ एसेसमेंट टैक्स कैलकुलेट करना होता है। तो पेमेंट रिक्वायर्ड टू बी मेड अंडर सेक्शन 140A, एसएससी अपनी टोटल इनकम निकाले उस पर टैक्स लायबिलिटी निकाले। टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करते वक्त फॉलोइंग शैल बी डिडक्टेड, टीडीएस टीसीएस एडवांस टैक्स लेस हो जाएगा, रिलीफ लेस हो जाएगी और मैट की क्रेडिट, एएमटी की क्रेडिट लेस हो जाएगी। अब यहां एक अमेंडमेंट, एनी टैक्स इंटरेस्ट पेबल अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 191 सबसेक्शन 2 वो भी डिडक्ट होगा। अब सवाल पैदा होता है, सेक्शन 191 सबसेक्शन 2 है क्या, है क्या? वो इसॉप वाला अमेंडमेंट हमने पढ़ा था, वही बात दे रखी है, उसका वो टैक्स और टीडीएस वगैरह डेफर हुआ था, हमने पढ़ा था इसॉप वाली बात, वही उसी से ही कनेक्टेड बात है कि फॉर द पर्पस ऑफ, जब वो एम्प्लॉई खुद डायरेक्टली टैक्स पे करेगा तो उसका भी टैक्स डेफर होगा, एम्प्लॉयर अगर टीडीएस डिडक्ट करेगा तो वो टीडीएस भी डेफर होगा। ठीक है, सेम टाइम लिमिट्स दे रखी हैं, तो 14 दिन के अंदर ये तीन इवेंट दे रखे हैं, उसमें से जो भी अर्लियर होगा उसके 14 दिन के अंदर ये टैक्स पेड किया जाए। ठीक है, तो ये सेक्शन कब यूज होता है, सेक्शन 191 सबसेक्शन 2 जब वो एम्प्लॉई इनकम टैक्स डायरेक्टली पे करता है। ठीक है, तो ये जस्ट रिपीटेशन है, इसलिए ये बात हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये हम बात ऑलरेडी समझ चुके हैं। चलिए, अब सेक्शन 140 में अमेंडमेंट, सेक्शन 140 में रिटर्न बाय होम टू बी वेरीफाइड या वेरिफिकेशन ऑफ आईटीआर हम कहें, तो सेक्शन 140 में
एक अमेंडमेंट हुआ है कंपनी एसएससी को लेकर और एलएलपी को लेकर। देखिए पहले कंपनी एसएससी की बात करते हैं। इन जनरल कंपनी का ईटीआर कौन वेरीफाई करेगा? मैनेजिंग डायरेक्टर, एमडी। लेकिन अगर एमडी नॉट एबल टू वेरीफाई या कोई एमडी है ही नहीं तो कोई भी डायरेक्टर कर सकता है रिटर्न को वेरीफाई, कोई भी डायरेक्टर कर सकता है। यहां हुआ एक अमेंडमेंट, एनी अदर पर्सन एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड बाय सीबीडीटी। ठीक है, तो सीबीडीटी और किसी पर्सन को प्रेस्क्राइब करे तो वो पर्सन भी कंपनी एसएससी का आईटीआर वेरीफाई कर सकता है। तो कंपनी एसएससी को लेकर अमेंडमेंट हुआ और आगे एलएलपी को लेकर भी अमेंडमेंट हुआ, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म। इन जनरल एलएलपी के रिटर्न को वेरीफाई डेजिग्नेटेड पार्टनर करेगा। अगर कोई पार्टनर डेजिग्नेटेड नहीं है या डेजिग्नेटेड तो है लेकिन वो अनेबल टू वेरीफाई है तो कोई भी मेजर पार्टनर करेगा, माइनर पार्टनर नहीं कर सकता। और यहां पर भी सेम अमेंडमेंट हुआ, एनी अदर पर्सन एज में भी प्रेस्क्राइब्ड बाय सीबीडीटी, वो भी रिटर्न को वेरीफाई कर सकता है। तो यहां दो एसएससी के लिए अमेंडमेंट हुआ, कंपनी एसएससी और एलएलपी के लिए वर्डेड हुआ एनी अदर पर्सन एज में बी प्रेस्क्राइब्ड बाय सीबीडीटी। ठीक है, तो वेरिफिकेशन ऑफ रिटर्न को लेकर ये अमेंडमेंट हुआ और ये 140A सेल्फ असेसमेंट, ये हमने देखा कि ESOP वाली बात, चलिए इसको हम दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। अगर वो एम्प्लॉय टैक्स डायरेक्टली पे करे और उसकी इफ द इनकम ऑफ एसएससी इन एनी सबसेक्वेंट ईयर इंक्लूड्स इनकम ऑफ नेचर स्पेसिफाइड इन सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 क्लॉज 6, मतलब ESOP वाला परक्यूजिट की वैल्यू उसकी इनकम में शामिल है एंड सच स्पेसिफाइड सिक्योरिटी स्वेट इक्विटी शेयर्स अलॉटेड बाय द करंट एम्प्लॉयर, और वो एम्प्लॉयर कौन होना चाहिए? एलिजिबल स्टार्टअप है सेक्शन 80IAC वाला, तो टैक्स ऑन सच इनकम शैल बी पेबल बाय द एसएससी डायरेक्टली विद इन 14 डेज, और वो रेलेवेंट असेसमेंट ईयर के एंड से 48 महीने, और फ्रॉम द डेट ऑफ सेल ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटी, वो जब बिके एसएससी ने बेचे या जब एसएससी उस कंपनी का, जब उस एम्प्लॉयर कंपनी का एम्प्लॉई नहीं रहा, तीनों में से जो भी अर्लियर हो, उसके 14 दिन के अंदर एम्प्लॉई ये टैक्स डायरेक्टली पे करे। ठीक है, तो ये काफ़ी सारे अमेंडमेंट्स हमने आज डिस्कस किए। इसके आगे के लेक्चर में, आगे की क्लास में हम TDS और TCS चैप्टर के अमेंडमेंट्स डिस्कस करेंगे। तो काफ़ी लंबे लेक्चर्स हो रहे हैं और वो लंबे लेक्चर्स होने का कारण ये है कि हमने जगह जगह प्रैक्टिकल एग्जाम्पल इंक्लूड किए हैं तो वो डिस्कस करने में टाइम लग रहा है। खैर, अच्छा है आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स देखने को मिल रहे हैं। ICAI ने अपने स्टडी मटेरियल में अमेंडमेंट्स को लेकर कोई भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन इंक्लूड नहीं किया है। ठीक है, तो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पर, एग्जाम्पल्स पे ज़्यादा ध्यान रखिए। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, और इसके आगे की क्लास में हम TDS और TCS चैप्टर के अमेंडमेंट्स करेंगे।